मिनट। गुड इवनिंग एवरीवन, एक सेकेंड रुकिए जी। जी हेलो हेलो, एक्चुअल में यस, थोड़ा सा इशू आ गया था जी। जी हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग धर्मपाल जी, नितिका बच्चे, वेलकम टू आवर चैनल इंस्पायर इंग्लिश प्लैनेट। मैं शीनम रहेजा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल के ऊपर। बच्चे आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं लिटरेरी टर्म्स के ऊपर, जो कि 150 क्वेश्चंस का सेट है, जो कि प्रॉपर 2-2.5 घंटे क्लास चलने वाली है। तो अपना चाय पानी जो आपको पास में रखना है रख लेना जी। हेलो हरजिंदर जी, हेलो संदीप, हेलो पूजा, हाय प्रीति, हाय ममता बंसल, शगन, रवीना, श्रुति जी। बेटा आवाज और वीडियो क्वालिटी वगैरह ठीक आ रहा है आपको? इतनी गर्मी लग रही है। जी, चलिए बच्चे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यस ओके ओके, ऑडियो वीडियो इज ओके। चलिए चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके बेटा, ये एक फाइनल कॉल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी किसी और जगह पर क्लासेस अपनी ले रहे हैं। तो अगर फिर भी उन्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वो अपनी पेमेंट रिसीट दिखाकर हमारी क्लास को 4,000 रुपीज में, ओनली 4,000 फीस में ज्वाइन कर सकते हैं फुल कोर्स, जिसमें आपको प्रॉपर मैराथन सेशंस, प्रॉपर मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस पैकेज। बस आपको अपनी उस एकेडमी की रिसीट दिखानी होगी प्रॉपर, विद प्रॉपर बिलिंग। और ये बच्चे वो होने चाहिए जिन्होंने एडमिशन किसी भी एकेडमी में 1 जून के बाद लिया था। 1 जून के बाद वो कोई भी एकेडमी हो, अगर आपने वहां एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं और फिर भी आप हमारी एकेडमी में रहना चाहते हैं, लाइक हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स 4,000 पर एनरोल हो सकते हैं। बाकी जो फ्रेशर्स हैं, लाइक जो ऑलरेडी एकेडमी से जुड़े हैं, वो तो रिसीट दिखाकर ही हमारे साथ जुड़ेंगे, बट जो फ्रेशर्स हैं बेटा उनके लिए वही 6,500 रुपीज ही फीस है। ओके बेटा, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो ये हमारी क्वालिफिकेशन है मेरी, आप ये सब चेक कर सकते हैं और हमें और थोड़ा जान सकते हैं। चलिए बेटा दिल थाम लो, आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एनग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग व्हाट? ऑप्शंस हैं द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, द हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट, द मोमेंट ऑफ रिकग्निशन बाय द प्रोटैगोनिस्ट, द कन्वर्जेंस ऑफ द मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट। जी तो एक सेकेंड जी, मैं आपकी ये टाइमिंग चला देती हूँ, है ना, टाइमिंग से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्लास। यहाँ पर टाइमिंग चला देते हैं। हाँ जी जी वेरी गुड वेरी गुड। हाय जसिमरत बच्चा, एक जब भी आंसर करते हो छोटी सी इमोजी साथ में लगा दिया करो ताकि आपका आंसर हाईलाइट हो जाए। जी वेरी गुड, क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन, द मोमेंट ऑफ रिकग्निशन। ये मैंने आपको बताया था एनग्नोसिस से आप रिकग रिकग याद करोगे, ठीक है, रिकग्निशन। जी चलिए, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज व्हाट? कैरेक्टर्स, थॉट, स्पेक्टेटर और प्लॉट। थॉट ऑफ, सोल ऑफ ट्रेजेडी कौन होता है? सोल ऑफ ट्रेजेडी कौन होता है बेटा? करेक्टर्स, थॉट, स्पेक्टेटर या प्लॉट? जी वेरी गुड वेरी गुड, सबका ठीक है। 18 सेकेंड्स हैं, एक बार सबको आंसर करने देते हैं। जी जी वेलकम शिवानी शर्मा। बेटा जो स्टूडेंट न्यू है आज की क्लास में, जो स्पेसिफिकली ये हमारा मॉक टेस्ट लगाने आए हैं या जो रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख रहे हैं, वो प्लीज मेंशन जरूर करना अपना नेम, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। जी क्या आंसर आएगा बेटा? प्लॉट, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सम इमेजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जैपनीज हाइकू व्हिच हैज एग्जैक्टली डैश नंबर ऑफ सिलेबल्स। बेटा हाइकू कराया था आपको क्लास में, इसमें कितने सिलेबल्स होते हैं? 17, 21, 19 और 23। कितने सिलेबल्स होते हैं एक हाइकू में? जी बेटा एक इमोजी डाल दिया करिए ताकि हाईलाइट हो जाए आपका कमेंट। यस जी बेटा, ए बी सी डी करके ट्राई करो, अगर छोटा ही आंसर है तो आप एग्जैक्ट आंसर ही बताओ। ए बी सी डी बताते हो तो ध्यान कम जाता है। यस जैसे बच्चे 17 आंसर बता रहे हैं तो 17 भी ध्यान ज्यादा जा रहा है। यस 17 सिलेबल होते हैं एक हाइकू पोएट्री में। ये एक पोएट्री जैपनीज में इन्वॉल्व हुई थी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे थोड़ा सा ट्रिकी डाला है क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें से स्पेंसेरियन स्टांजा कौन सा नहीं है। वेलकम ऋषभ। बेटा इसमें से स्पेंसेरियन स्टांजा कौन सा नहीं है बताना है। अपने आप से ऑप्शंस पढ़िए और आंसर करिए। जी कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, फर्स्ट लाइंस आर एम्बिक ऑक्टामीटर। ओके यस ऑफ कोर्स, इसमें स्पेंसेरियन स्टांजा में ऑक्टामीटर की तो बात ही नहीं आती। वेरी गुड, जो स्टूडेंट सी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है उनका आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे कि आंसर कर पाएंगे आप। वेरी गुड, क्लैप फॉर यू, रियली अमेजिंग। यस ऑक्टामीटर की तो बात ही नहीं रहती स्पेंसेरियन स्टांजा में, ये स्पेंसर ने बनाया था, बिल्कुल अच्छी बात है। 8 लाइनें होती हैं पहली 8 लाइनें। ओके टोटल 9 लाइंस होती हैं, सिखाया था आप लोगों को 8+1। जो 8 है वो आयम्बिक पेंटामीटर है, जो इकलौती लाइन रह जाती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर है, जिसको कि अलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं। वेरी गुड ममता बंसल, वेरी गुड हरमन। यस आई नो आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्यों नहीं आएगा। यस सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। द लिबर्टी विच पोएट्स टेक इज, क्या लिबर्टी होती है, किससे वो पोएट कुछ भी लिख सकता है, क्या लिबर्टी चाहिए उन्हें? पोएटिक जस्टिस, अफेक्टिव फैलेसी, पोएटिक लाइसेंस या राइमिंग स्कीम? पोएट्स को कौन सी लिबर्टी चाहिए होती है? वेरी गुड दीक्षा धर्मपाल जी। यस ठीक है बेटा आंसर करते जाओ, 13 सेकेंड्स हैं, आंसर करते जाइए। वेरी गुड राजन, वेरी गुड प्रीत कमल जी। यस बिल्कुल अच्छा बिल्कुल अच्छा, वेरी गुड। पोएटिक लाइसेंस, दिस टर्म इज गिवन बाय ड्राइडन। यस बिल्कुल ठीक है, पोएटिक लाइसेंस चाहिए होता है पोएट्स को लिबर्टी यूज करने के लिए। बेटा फिर से एक ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है जिसमें नॉट डाला हुआ है, तो आपको टर्जा रीमा, चौसेरियन स्टांजा, स्पेंसेरियन और ओटावा रीमा अगर मालूम है तो बताइए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन दिया गया है। बताइए इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बताइए बेटा, गुड इवनिंग मनिंदर जी। ओके नसरीन बेगम जी आज क्लास में न्यू स्टूडेंट हैं आई थिंक जी। दीक्षा, शगन, शिवानी, अभिलाषा, जसिमरत, वेरी गुड स्टूडेंट्स। मतलब मैं उम्मीद भी नहीं रखती थी आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आएंगे। कभी ऐसा हो जाता है ना कि मतलब मुझे होता है कि आप लोग इजी इजी सा करने वाले बच्चे हो, नहीं बट आप लोग डिफिकल्ट टास्क भी कर सकते हो। वेरी गुड, मुझे उम्मीद भी नहीं थी बट यही स्टूडेंट्स हैं जो फिर पेपर क्लियर भी करेंगे और फिर तब भी मुझे लगेगा कि वाओ मेरे करवाए हुए स्टूडेंट्स को आंसर आते हैं। यस हरमन बिल्कुल ठीक है, हरमन ने टर्जा रीमा क्या होता है बताया भी है। बेटा टर्जा रीमा 3 लाइंस की होती है, यहाँ पर दिया है 4 लाइंस। चौसेरियन को ही राइम रॉयल बोलते हैं और आपको लोगों को राइम रॉयल बताया था 7 लाइंस का होता है।
पेंसेरियन नाइन लाइंस टोटल होती हैं इसमें, 8+1 का सेट होता है ये, और ओटावा रीमा इज 8 लाइन इन इटसेल्फ। ओके जी, चलिए, हु यूज द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये किसने टर्म को कॉइन किया था, किसने कॉइन की थी ये टर्म, विलियम जेम्स, वर्जीनिया वुल्फ, डी एच लॉरेंस और जेम्स जॉयस, किसने ये टर्म को कॉइन किया था। करते जाइए बेटा आंसर, करते जाइए, रुकिए मैं टाइमर लगा रही हूं यहां पर, करते जाइए आंसर। कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में और कितनी लाइक्स हैं, बड़े नाजायज करते हो आप तो मेरे साथ, है ना, कितनी लाइक्स हैं, कितनी देर लगती है आपको एक लाइक करने में वीडियो को। जिन जिन ने आंसर दे लिया फटाफट लाइक करो जाके। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यस विलियम जेम्स, वेरी गुड विलियम जेम्स। बेटा आपको इनकी बुक का नाम याद है, किस बुक में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिया था, वेरी गुड, यस हरमन, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, किसमें दिया था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, बिल्कुल ठीक है, यस। चलिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट का अगला दूसरा नाम क्या था, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट को और किस नाम से जाना जाता था। जी डेकेडेंट मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट और प्री रेफलाइट मूवमेंट। जो स्टूडेंट्स मेरे 1000 एमसीक्यूज की क्लास में भी रोज आते हैं उन लोगों को आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन लोगों को आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यस। करते जाओ बेटा आंसर, करते जाओ, अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी पुअर आ रही है तो उसको आप सेटिंग्स में जाकर हायर क्वालिटी पे क्लिक कर सकते हैं तो अच्छी क्वालिटी आने लगेगी। ओके यस, क्या आंसर आएगा, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कौन लेके आया था, जॉन हेनरी न्यूमैन, कौन लेके आए थे, जॉन हेनरी न्यूमैन। ओके ओके, कोई बात नहीं प्रीति, कोई बात नहीं, आज सब कुछ न्यू लग रहा है बट जैसे ही आप हमारे बैच को ज्वाइन करोगे आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह फटाफट आंसर करने लगोगे, ठीक है, हम आपको भी फुली ट्रेन कर देंगे लिटरेचर में, टर्म्स में, लिंग्विस्टिक्स में। चलिए बट्टा, इनमें से यूनिवर्सिटी विट्स कौन सा नहीं है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट, टॉमस किड, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली। आप लोगों को एलिजाबेथ एनेज का टेस्ट आप सबने दिया है, यस यस, हरमन जी भी यही कह रही हैं प्रीति जी कि पहले दिन तो ये सब बच्चे भी बिल्कुल ब्लैंक स्लेट थे, ऑफ कोर्स ये सब ब्लैंक स्लेट थे, इनकी दिमाग की स्लेट पर ये सब लिखा गया है, हर रोज बैठ के तराशा जाता है इनके दिमाग को, वेरी गुड। बेन जॉनसन जो थे वो नहीं थे, थॉमस किड, मार्लो एंड लिली आर यूनिवर्सिटी विट्स मेंबर्स। क्रिस्टोफर मार्लो की आपको डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ याद होनी चाहिए, थॉमस किड का फेमस वर्क था स्पेनिश ट्रेजेडी, ये रिवेंज ट्रेजेडी लेके आए थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। देन जॉन लिली ने फर्स्ट प्रोज नॉवल दिया था, फर्स्ट प्रोज मॉडर्न नॉवल दिया था, यूफ्यूज, द एनाटॉमी ऑफ विट। ओके द एनाटॉमी ऑफ विट, जी ठीक है, चलिए आगे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंग्लिश इक्विवेलेंट टू द टर्म मिमेसिस, मिमेसिस मैंने बताया था आपको मिमिक्री की तरह साउंड करता है, मिमिक्री की तरह, तो मिमेसिस क्या होता है, इमिटेशन, परगेशन, क्लाइमैक्स या मोनोलॉग, जी बताइए, वेरी गुड दीक्षा, यस ऋषभ ने तो यूफ्यूज की डेट भी बताई है, क्लैप फॉर यू ऋषभ, 1579 डेट बिल्कुल ठीक थी, यस जी सबका ठीक है, सबका ठीक है, नसरीन न्यू स्टूडेंट है उनका भी ठीक है आज, यस। चलिए इमिटेशन बिल्कुल ठीक आंसर है, इमिटेशन किसने दिया था, मिमेसिस किसने दिया था, एरिस्टोटल ने, कहां पर दिया था, पोएटिक्स नाम की बुक में, ठीक है पोएटिक्स नाम की बुक में दिया था। चलिए द टर्म दैट जॉन रस्किन कॉइंड,
देखो आपको अगर पेपर में टाइम थोड़ा हो, जॉन रस्किन दिखा है तो फटाफट ऑप्शन में ढूंढना है कि यार जॉन रस्किन ने क्या दिया था, बाकी चीजें क्या लिखी है क्या नहीं लिखी मतलब नहीं होना चाहिए। फटाफट राइटर देखा, कॉइनेज पूछा है, ऑप्शंस देखना है, क्या हमें वो कॉइनेज पता है जो जॉन रस्किन ने दी थी। यस, आप सबको पता है, यस उन्होंने क्या दिया था। वेरी गुड वेरी गुड, सबका ठीक है। यस, पैथेटिक फैलेसी, वेरी गुड। एनी धमीजा, शगन सिद्धू जी, ममता बंसल, यस शिवानी अभिलाषा जी, ओके मनजीत सराव जी, सबका ठीक है बेटा। पैथेटिक फैलेसी किसने दिया था? जॉन रस्किन ने। ओके, और इन्होंने कौन सी बुक में दिया था, कौन सी बुक में दिया था और क्या डेट थी, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। यस, ऑल्सो नोन एज पर्सोनिफिकेशन, वेरी गुड संदीप जी। नेक्स्ट बच्चा जी, मैच कॉलम भी एग्जाम में आते हैं, आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा हमारे एमसीक्यूज में, हमारे मॉक टेस्ट में, जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। स्तुति जी बिल्कुल ठीक बात है। यस अंकित वालिया, यस शिवानी वालिया, द मॉडर्न पेंटर्स ने उन्होंने टर्म को कॉइन किया था, वेरी गुड। यस स्तुति जी कह रही हैं कि पहले इन टर्म से हमें डर लगता था बट अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है। बेटा ये टर्म्स जिन्होंने जिन्होंने दी है उनके क्रिटिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर मेथड्स लिखा है और क्रिटिक्स लिखे हैं, मैच कॉलम करके बताइए। चलिए, टीएस एलियट ने क्या दिया था? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किसमें दी थी? द मेटाफिजिकल पोएट्स में। क्लीन्थ ब्रूक्स ने क्या दिया था? द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या दिया था? टचस्टोन मेथड, स्टडी ऑफ पोएट्री बुक है ना इनकी, उसमें दिया था। विंसेंट एंड बियर्सली ने क्या दिया था? इंटेंशनल फैलेसी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बेटा, होरेस ने अर्थ पोएटिका के अंदर, होरेस की बुक का नाम था अर्थ पोएटिका, इसको हम द आर्ट ऑफ पोएट्री भी कहते हैं इंग्लिश वर्जन में, क्योंकि ये ग्रीक के थे होरेस, आर्ट ऑफ पोएट्री। तो बेटा जी इसमें उन्होंने इनमें से कौन सी टर्म दी थी, इनमें से कौन सी टर्म दी थी होरेस ने? डुई एक्स मकीना, इन मिडियासरस, एब ओरो, एट पिक्चुरा जी, बताइए। होरेस ने आर्स पोएटिका में कौन सी टर्म दी थी? करते चलिए आंसर, करते चलिए, कोई बात नहीं। वेरी गुड, कौन सी टर्म दी थी बेटा जी? इन मिडियास रस। कौन सी दी थी? इन मिडियास रस, इसका क्या मतलब था? इन द मिडल ऑफ द थिंग, इन द मिडल ऑफ द थिंग। द फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी इन इंग्लिश, पहली ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी कौन सी थी? टीटस एंड्रोनिकस, कैटिलाइन, गॉर्बुडक, द डचेस ऑफ माल्फी। बेटा ये भी टर्म को लेके ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी की एग्जाम्पल पूछ ली गई है ना। ब्लैंक वर्स तो अपने आप में फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें उसके एग्जाम्पल पूछी है। बेटा आप लोग प्लीज डेट भी मेंशन करो, जो आप आंसर कर रहे हैं उसकी डेट भी मेंशन करिए। ओके 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 बेटा, एक बार 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन पर आओ दोबारा से। यहाँ पर नोट लिखा हुआ था, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, नोट लिखा हुआ था। तो बेटा इन्होंने मिडियासरस भी दिया था, ड्यू एक्स मैकिना भी दिया था, अब ओरो भी दिया था, बट इन्होंने एट पिक्चरा नहीं दिया था, तो उसका आंसर एट पिक्चरा आएगा। एक बार 13 क्वेश्चन नंबर दोबारा देखो बेटा, एट पिक्चरा आंसर आएगा। ड्यू एक्स मैकिना भी इनका है, होरेस का, इन मिडियासरस एंड एबोरा, एट पिक्चरा नहीं आएगा आंसर, ठीक है? ये हमने ध्यान नहीं दिया कि नोट है और हमें मेडियास रस देखा और क्लिक कर दिया, ये गलती एग्जाम में नहीं करेंगे हम, ठीक है? एग्जाम में नहीं करेंगे, देखना है नोट लिखा है या नहीं। चलिए, हाँ जी, ब्लैक वर्स ट्रेजेडी कौन सी थी? गॉर्बुडक, कब आई थी? 1561 में, फर्स्ट प्रॉपर इंग्लिश ट्रेजेडी थी ये, ठीक है? चलिए बेटा, ये एक
लाइन दी हुई है, इसमें आपको बताना है कि ये इनमें से किसको डिफाइन कर रही है, जो चारों ऑप्शंस है. नाउ देयर फोर वाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन द स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू. ये लाइंस हमारी ली गई हैं टू हिज कॉय मिस्ट्रेस से. कहां से ली गई हैं? टू हिज कॉय मिस्ट्रेस से. एंड्रू मार्वल की पोइम है ये. जी ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्या ये सरकम लोकुशन या कि गोल गोल बात कर रहा है वो? क्या ये कार्पे डियम फिलोसफी दिखा रहा है या ये हाइपरबली यानी कि बहुत एग्जेजरेट करके बता रहा है या फिर मेटाफर है ये? बताइए बेटा, एक बार सोच के देखो, अच्छे से आंसर करना है इसको. सोच के देखो, वो कह रहा है कि नाउ, कि अभी वक्त है, अब वक्त है, अभी जवानी का टाइम बिल्कुल कलरफुल है. जवानी का जो समय है वो बिल्कुल कलरफुल है. जो जवानी है वो अभी भी स्किन पर एक मॉर्निंग ड्यू की तरह चमक रही है. नाउ इज द टाइम. ध्यान से क्वेश्चन रीड करो, देन आंसर करो. इस तरीके से मुश्किल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं. ओके जी, सिमिली तो दिया ही नहीं हुआ. यस ओके, क्या आंसर आएगा? कार्पे डीएम फिलोसफी. यस, कार्पे डीएम का क्या मतलब होता है? सीज द डे, कि ये पल है, उसको अपॉर्चुनिटी जो है वो उसको सीज कर लो. यस, तो यहां पर उसने बोला है नाउ इज द टाइम. ठीक है, नाउ इट इज द यूथफुल टाइम टू एंजॉय. ओके चलिए. एट अ फुट कंसिस्टिंग ऑफ वन स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड. ये आपको करवाया था, वन स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड. क्या आंसर आएगा? स्पोंडी, आयाम्बिक, ट्रॉकी और टर्जा रीमा. क्या आंसर आएगा बच्चा? पहले स्ट्रेस्ड है फिर अनस्ट्रेस्ड है. ये एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे बच्चे. ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर करो. जी क्या आंसर आएगा? ट्रॉकी. यस, क्या आंसर आएगा? ट्रॉकी. चलिए, ट्रॉकी किसने किसने आंसर किया है? ममता जी, वेरी गुड. देन ट्रॉकी वाले कौन है? चलिए ओके चलिए बेटा, आयाम्बिक होता है पहले अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस. टर्जा रीमा तो ए बी ए बी सी बी, इंटरलॉकिंग राइम स्कीम होती है थ्री नंबर ऑफ लाइंस की. जी सबका ही गलत है, सबका ही गलत है, एक ममता का ठीक था. जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है. अब हम ध्यान देंगे हमेशा नॉट को. अ पार्ट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. इसमें से कौन सा, सिक्स पार्ट्स करवाए थे आपको ट्रेजेडी के, कौन सा पार्ट नहीं है? प्लॉट यानी कि फेबल, स्पेक्टेकल, इमिटेशन और डिक्शन. कौन सा एक पार्ट ट्रेजेडी से बिलोंग नहीं करता? जी करिए करिए आंसर करिए. ओके कमलेश जी न्यू है आज की क्लास में. जी न्यू स्टूडेंट्स कृपया करके हैंड रेज कर दीजिए प्लीज. यस, क्या आंसर आएगा? इमिटेशन. क्या आंसर आएगा? इमिटेशन. यस बिल्कुल ठीक है, आप सबका ठीक है आंसर. चलिए मैच करना है बेटा लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ. हमार्शिया, सेशुरा, एनग्नोर्सिस और पेरिपीशिया, ये चीजें क्या होती हैं? इनके मीनिंग्स लिस्ट टू में दिए गए हैं. यस पूजा जी, पूजा जी ने पूरे छह आंसर दिए हैं, छह के छह टाइप्स बताए हैं. ओके हाय अमनदीप जी. ओके बेटा, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा है तो ओके. अरमान जी हैं ये, ठीक है अरमान जी, आपको वेरी गुड. ये टेस्ट अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करके जरूर जाना, कमेंट में अपने मार्क्स भी जरूर बताना. जी यस चलिए आंसर करते हैं. हमार्शिया क्या होता है? एरर ऑफ फेलियर. सेशुरा क्या होता है? अपोज ऑफ अ लाइन. एनग्नोसिस क्या होता है? रिकग्निशन. पेरिपीशिया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून. जी चलिए, टर्जा रीमा इज अ स्टांजा फॉर्म.
अब ये तसल्ली से चारों ऑप्शंस पढ़ना, तसल्ली से, ध्यान से। तर्जा रीमा, एक ही आंसर बिल्कुल ठीक है, बाकी तीन ऑप्शंस गलत हैं। एक आंसर बिल्कुल ठीक है, बताइए कौन सा ठीक है। ओके जी, रविंदर ताकी जी, बेटा आपका ना नेट बहुत स्लो चलता है। आपका आंसर तब आता है जब हम चार क्वेश्चंस आगे चले जाते हैं। आपका नेम इसीलिए नहीं ले रही बेटा, मैं आपका नाम इसीलिए नहीं ले रही। अभी आपका आंसर जो आया है वो क्वेश्चन गए को, चार क्वेश्चन हो गए हैं, इसीलिए आपका नाम सामने नहीं आता है जब क्वेश्चन चल रहा हो। यस शिवानी, धर्मपाल जी, राजन, प्रिया चौधरी, एनी, नवजोत। ओके, अभी रविंदर जी आंसर आयाम्बिक दे रही हैं, उसका आंसर ट्रॉकी आएगा। चलिए, पहला आंसर बिल्कुल ठीक है क्योंकि टर्जा रीमा आयाम्बिक मीटर में होती है, ए बी ए फॉलोड बाय बी सी बी, है ना। इसमें एनापेस, डिक्टाइल, ट्रोकाइक, इनका मतलब ही नहीं है टर्जा रीमा में। चलिए बेटा, ये लाइन दी है जो पर्पल शेड में है, ये किसको डिफाइन कर रही है? ट्रेजेडी है ये, लाइक ट्रेजेडी को डिफाइन कर रही है। तो ट्रेजेडी ये इसमें किसने दी थी ये डेफिनेशन? प्लेटो, होमर, एरिस्टोटल, सर फिलिप सिडनी, किसने ये डेफिनेशन दी थी ट्रेजेडी की? वेरी गुड दीक्षा, दीक्षा का आंसर सबसे पहला आता है। मुझे लगता है दीक्षा ने तो 5G नेटवर्क लगवा रखा है ना, सब बच्चे पीछे रह जाते हैं और दीक्षा का एकदम फटाक से आंसर आ जाता है जी। जी ओके कमलेश जी, ठीक है, हाँ जी, नेट स्लो है आपका, कोई बात नहीं, आप पुराने पीछे आंसर करते जाओ, मैं चेक करती रहूंगी साथ साथ। चलिए जी, ओके बिल्कुल ठीक है, एरिस्टोटल ने, किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। ये टर्म किसकी थी? ट्रेजेडी की डेफिनेशन किसने दी है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी एक एक्शन को दिखाता है, जो एक्शन है वो सीरियस है, कॉमेडी कोई भी नहीं है इसमें, और पूरा कंप्लीट एक्शन है, कुछ भी डाइग्रेशंस नहीं है, और एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का है। मैग्नीट्यूड मतलब एक प्रॉपर टाइम पीरियड बताया गया है कि इतनी लेंथ का है वो एक्शन, ठीक है, डे और टाइम बताया गया है। इन अ ट्रेजेडी द टर्म कैथारसिस कैन बी इंटरप्रेटेड एज, कैथारसिस का क्या मतलब है? इसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बाकी तीन गलत हैं, तो फटाफट से बता दीजिए। ओके धर्मपाल जी, प्लीज आप दीक्षा को नजर नहीं लगाएंगे, नहीं, नजर किसी को नहीं लगानी, अपना अपना काम करिए, अपने अपना आंसर सोल्व करिए। नहीं, रेट नहीं पानी किसी दे नेटवर्क ते, तो सीता जब मेरे नेटवर्क नो नजर लाती सी, पता है दोपहरे 3 बजे एकदम जियो कनेक्शन लगाया हुआ है वाईफाई दा, एकदम जियो कनेक्शन बंद हो गया सी, 4:15 बजे इंटरनेट चल लिया, नहीं तो आज दी क्लास कैंसिल हो जाती जी। ऑफ कोर्स, क्या सही आंसर है? वेरी गुड संदीप, अरमान, ममता, रवीना, वेरी गुड। जहां परगेशन लिखा हुआ है, पिटी एंड फियर ऑफ इमोशंस ये लिखा है, तो बिल्कुल सही आंसर है जी, बिल्कुल ठीक है आंसर। चलिए यस अरविंदर जी, टर्जा रीमा का आप आंसर बिल्कुल ठीक दे रही हैं। चलिए, यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया की डेफिनेशन क्या है? इसमें जो क्लास है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? क्या ये यूटोपिया इलीट सोसाइटी को दिखा रहा है, या इंटेलिजेंट और रैशनल वे ऑफ थिंकिंग दिखा रहा है, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ दिखा रहा है, या एक इमेजिनेटिव और आइडियल वर्ल्ड दिखा रहा है? यस, तो यूटोपिया किसने दिया था बेटा? टॉमस मोर ने। और राजी कब आया था? 1516 और 1551 में। पब्लिश हुआ था 1557 में, रिचर्ड टोटल ने इनको पब्लिश करवाया था जी। बिल्कुल ठीक आंसर है, अभी तक आप लोग मेरी उम्मीद से भी ज्यादा सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अमेजिंग आंसर जा रहे हैं। यस, हार्मोनियम्स आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट व्हाट? हार्मोनियम्स, होमो मींस होता है सेम, नेम, निम्स मतलब होता है नेम,
अब इनमें से आपको आंसर छांटना है कि होमोनियम्स क्या होता है. दीज आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली बट हैव सेम मीनिंग, रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, आर स्पेल्ट, यहाँ पर स्पेल्ट आना था सॉरी, स्पेल्ट सिमिलरली बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, रेफर टू पीपल हु लिव इन अ हाउस विद सिमिलर स्ट्रक्चर्स. वेरी गुड वेरी गुड, करते जाओ आंसर करते जाओ जी. वेरी गुड स्तुति, जो बच्चे पूरा आंसर लिख रहे हैं उनकी भी दाद देनी पड़ेगी, उनकी तो टाइपिंग ही बड़ी फास्ट है. यस यस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सिमिलर स्पेल करते हैं बट उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं. यस, उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, स्पेलिंग बिल्कुल सिमिलर होते हैं उनके. ओके ओके, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलर्जी. अब यहां पर नॉट दिया हुआ है तो हमें ये ध्यान देना है, पेस्टोरल कौन सी नहीं है जिसमें शेफर्ड नहीं होता. एस्ट्रोफर, लाइसिडस, थायरिसिस, एलर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड. जिन जिन को इनके राइटर्स मालूम है वो भी बता देना. जी रविंदर जी, यूटोपिया बिल्कुल ठीक है आंसर आपका. ओके, यूटोपिया का गलत आंसर दे रहे हैं रविंदर आप, डी ऑप्शन उसका इमेजिनेटिव वर्ल्ड आंसर आएगा. ओके यस, एस्ट्रोफल दी थी स्पेंसर ने, वेरी गुड. इसमें से पहले बच्चा सही आंसर बताओ कि इसमें से पेस्टोरल एलर्जी कौन सी नहीं है, पहले वो बताओ, पहले आंसर करेक्ट क्या है वो बताओ, फिर राइटर्स बताना इनके. पहले जो सही आंसर आया है वो बताओ. ओके, सही आंसर क्या है बेटा, डी ऑप्शन. जो डी है वो एक पेस्टोरल एलर्जी नहीं है, बाकी तीनों की तीनों ही पेस्टोरल एलर्जीज हैं. थायरसिस लिखी थी आर्नल्ड ने, लाइसिडस लिखा था मिल्टन ने, और एस्ट्रोफल लिखा था स्पेंसर ने सिडनी के लिए. ओके जी, तो इसमें से पेस्टोरल वाली कौन सी नहीं है, एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में पेस्टोरल चीज नहीं बताई गई. चलिए यस बिल्कुल ठीक है. कार्पेडियम का क्या मतलब होता है, हेल द डे, सीज द डे, गुड बाय द ब्राइट डे और सीज द डे, बताइए जी. यस वेरी गुड, फटाफट फटाफट, यस यस बिल्कुल ठीक है, सीज द डे क्या आंसर आएगा, सीज द डे. यस चलिए, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स व्हाट. इसमें क्या होता है, पहले तो आपको खुद दिमाग में ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है तो दिमाग में इसकी डेफिनेशन आ जानी चाहिए, देन उस डेफिनेशन को आप ऑप्शंस में देखेंगे कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो ऑप्शंस में रखा हुआ है या नहीं. चलिए बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है बताइए. करते चलिए करते चलिए. चलिए चलिए, बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हैं आप, करते जाओ. आई एम लुकिंग फॉर द राइट आंसर, कोई तो होगा. ओके, सभी अपना आंसर रॉन्ग मार्क कर लो, सी वुड बी द राइट आंसर. वेरी गुड नवजोत, थैंक यू बच्चा की एक स्टूडेंट तो है क्लास में जो मेरी आवाज सुनता है. यस सी,
एक इमेजिनरी स्पीकर है, एक इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता है। आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट टचेस याद नहीं है क्या? उसमें कौन है, एक स्पीकर है, वो बात नहीं करता है क्या सामने जो पर्सन आता है उनसे? हाँ बेटा, किसी की चीटिंग भी करनी हो थोड़ी सी अकल से तो चीटिंग करो। मैं तभी तो सजेस्ट करती हूँ कि कहीं पेपर में चीटिंग मत करके आना जी। इसमें अब नॉट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेड। बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? इट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद अकंपनीमेंट, इट यूजली डील्स विद अ सिंगल एपिसोड, इट इज कॉमिक इन नेचर, द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शंस। अब एक दूसरे की चीटिंग करके प्लीज आंसर मत करना, अपने दिमाग से आंसर करो। यस, अपने दिमाग से आंसर करो। मैं अभी तक किसी का आंसर भी बताऊंगी नहीं, करते रहो आप आंसर, देखते हैं कौन सही आंसर करेगा जी। वेरी गुड, क्या आएगा? बैलेड कॉमिक इन नेचर नहीं होता, बाकी सब ठीक है, कॉमेडी नहीं होती है बैलेड में, ठीक है। इसमें सिंगल एपिसोड के बारे में है, स्टोरी है, कुछ साथी आपस में मिलके गाते हैं ये, और डायलॉग्स और एक्शंस भी दिखाए जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बारे में दिया गया है, इसमें से कोई दो ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। कौन सी दो हैं बताइए, इसमें से कोई दो ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं। ध्यान से आंसर करना, मैं बार बार बोल रही हूं, एक दूसरे की चीटिंग करके आंसर मत करना। नॉट विजिबल, रुक जाओ। अब दिख रहा है बेटा, पिक्चर क्वालिटी हायर पे कर लो उसको ना। एडवांस में जाके ना 1080 लगा लो। हाँ जी, यस, करते चलिए आंसर, करते चलिए। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ऑप्शन आ गया है, देखो नीचे लास्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 2 और 3। जो ट्रेजिक हीरो है वो पिटी एंड इमोशंस क्रिएट करता है, पिटी एंड फियर दिखाता है, और जो हमार्शिया है वो उसका रीजन बनता है डेथ का। जो एनग्नोर्सी होता है वो रिवर्सल नहीं होता, वो पेरिपीशिया होता है। जो ट्रेजेडी है उसमें जॉयस एंडिंग नहीं होती, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है कॉमेडी में, ठीक है। तो सी ऑप्शन, ये 2 और 3 ऑप्शन ठीक है, तो वो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बेटा क्लोजेट ड्रामा के बारे में कौन सी ऑप्शन बिल्कुल सही दी गई है? क्लोजेट ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा कौन सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक बताया गया है? डेफिनेशन बताओ, क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? जी जी बिल्कुल ठीक है रविंदर जी, हम 29th नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बेटा। जो क्लोजेट ड्रामा है ये, दिस इज ओनली फॉर रीडिंग, ये सिर्फ पढ़ा जाता है, नॉट टू बी स्टेज्ड, ये इनेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, नॉट टू बी स्टेज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इनमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट फॉर ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी के लिए नॉट करेक्ट कौन सी है? लंबी लंबी ऑप्शंस डाली हुई हैं, ये आप खुद से पढ़ो क्या लिखा हुआ है ऑप्शंस में, देखो और करेक्ट आंसर बताइए।
जी बिल्कुल ठीक है संदीप कौर जी, बताइए बेटा इसमें से ऑटोबायोग्राफी कौन सी नहीं होती, क्या चीज इनकरेक्ट है? एक ऑप्शन गलत है, बाकी तीन बिल्कुल ठीक हैं। करते जाओ आंसर बेटा। ओके वरुण सिंगला जी शायद न्यू स्टूडेंट हैं क्लास में, एंड वेरी गुड, आपका इकलौते स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके हरमन का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। यस यस बेटा ऑटोबायोग्राफी है वो, यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नेवर बी अ कनेक्टेड नैरेटिव, ये तो कनेक्टेड ही होएगी ना, किसी की जीवन गाथा है वो कनेक्शंस तो होगा ही ना ऑटोबायोग्राफी में, अगर कनेक्शंस ही नहीं बनता तो वो ऑटोबायोग्राफी किस बात की रही। जी बाकी सब ठीक है, इसमें मेमोर आप बता रहे हो, मेमोर भी ठीक है क्योंकि इसमें पब्लिक इवेंट्स भी होते हैं ऑथर के अलावा, अदर देन द ऑथर, ऑथर के अलावा बाकी चीजें बाकी लोगों का भी बताया गया होता है मेमोर में, ठीक है। और ऑटोबायोग्राफी सही बताई हुई है नीचे की ऑथर की लाइफ के ऊपर होती है, और जो ऑटोबायोग्राफी है वो ऑफन नॉवल में यूज की जाती है, पर जो ऑटोबायोग्राफी है वो कनेक्टेड नैरेटिव रहती है, नेवर वर्ड इसमें गलत लिखा हुआ है। जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम अ ओड, इसमें बेटा चार ऑप्शंस में से कौन सी टाइप ओड की नहीं है, आपको ओड करवाया गया था क्लास में कि ओड क्या होता है, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ओड, इसमें से कौन सी ओड की नहीं है। जी थैंक यू वरुण सिंगला जी, थैंक यू हरमन, बहुत ही प्यारा कमेंट लिख रही है जी। यस जेकोबियन नाम का कोई भी ओड नहीं होता, बाकी ओड बाकी तीनों ओड हैं, पिंडारिक ओड, इरेगुलर ओड और होराशियन ओड। पिंडारिक ओड पिंडार लेके आए थे, होराशियन ओड होरेस लेके आए थे, और इरेगुलर ओड एंड्रू मार्वल लेके आए थे। ओके तो ये चीज ध्यान देनी है आपको, ये भूलना नहीं है। चलिए यूबिसंट मीन्स, यूबिसंट आप लोगों को करवाया था, कार्पे डिएम, यूबिसंट, मोमेंटो मोरी, ये तीनों ही फ्रेजेस आपको करवाई गई हैं, तो इसमें से यूबिसंट क्या होता है, द डॉन सॉन्ग, द गाइडिंग मोटिफ, वेयर आर दे नाउ, द लोदी लेडी। जी बताइए, बिल्कुल ठीक है आपका रविंदर जी, करते चलिए आंसर। यस यस अरमान जी, हरमन, राजन एंड अभिलाषा, ममता, जसिमरत, शगन, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है जी। रविंदर जी आपका पीछे ओड का आंसर भी आप सही दे रहे हैं। यस वेयर आर दे नाउ, यूबिसंट का क्या मतलब होता है, वेयर आर दे नाउ, ये सोल्जर्स के लिए बोला जाता था तब, ठीक है, कि अब वो महान सोल्जर्स कहाँ गए जो पहले फाइट किया करते थे। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन के बारे में पूछा गया है आप लोगों को, राइम स्कीम्स याद करवाई थी पेट्रार्कन की, स्पेंसेरियन और शेक्सपियरियन सोनेट की, इसमें से बताइए पेट्रार्कन वाली कौन सी है। यहां पर ऑप्शंस देखने से पहले ना, जब भी पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शंस के ऊपर ऐसे हाथ रख लेना है और खुद से माइंड में पेट्रार्कन सोनेट पेन से पेज के ऊपर लिख के देखनी है, फिर उस वाली राइम स्कीम को बाकी चार ऑप्शंस के साथ मैच करके देखना है कि आपने जो आपको आता था क्या वो ऑप्शन में गिवन है। ओके अगर आप पहले से ही ऑप्शंस देखने लग जाओगे ना तो आपको जो पेट्रार्कन सोनेट याद भी होगी वो आप खुद से भूल जाओगे ऑप्शंस को देख के। यस बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स का, ए। यस ए बी बी ए सी डी सी डी। ओके आर के वर्मा जी हेलो, ओके यू आर न्यू स्टूडेंट, वेलकम बेटा हमारी क्लास में। बच्चा आप लोग रोज क्लास में आइए, हर रोज कुछ ना कुछ आप न्यू ही सीख के जाएंगे। ओके जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास में आता है वो बिना कुछ नया सीखे तो कभी भी नहीं गया आज तक। चलिए हु कॉइंड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये टर्म किसने दी थी, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ बैच में पढ़ाई कर ही रहे हैं प्लीज वो तो एटलीस्ट इसकी बुक का आंसर भी बताएंगे कि किसने किस बुक में दी थी,
और अगर आपको डेट भी याद है तो और अच्छी बात है। वरुण सिंगला जी, हमारी रोज YouTube पर क्लास 6 PM रहती है और हमारी बैच की क्लास रात को 9 बजे रहती है, जिसमें हम सारा ही सिलेबस बहुत ही फैंटेस्टिक तरीके से करते हैं, एक एक चीज डिटेल में करवाई जाती है। वेरी गुड एटीएस एलियट, इनका पूरा नाम था बेटा टॉमस टर्न एलियट। ओके, टॉमस टर्न एलियट नाम था इनका, इन्होंने द मेटाफिजिकल पोएट्स में दी थी। वेरी गुड अरमान जी, यस अरमान हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट है, बट वो बहुत ही अच्छे से कवर किया है उन्होंने सिलेबस। यस, बहुत अच्छे से तैयारी करके आई है वो आज। वेल डन बेटा। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, बेटा ये टर्म किसने कॉइन की थी, किसने टर्म दी थी नेगेटिव कैपेबिलिटी? T.S. Eliot, S.T. Coleridge, Matthew Arnold, John Keats. जी करते चलो बेटा, आंसर करते चलो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स धर्मपाल जी ने तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दिया है कि जॉन कीट्स ने शेक्सपियर के लिए करी थी। वेरी गुड, उम्दा आंसर है, बिल्कुल ठीक। जॉन कीट्स ने शेक्सपियर के लिए करी थी ये टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। और जॉन कीट्स ने एक और टर्म भी की थी कॉइन, वो वर्ड्सवर्थ के लिए की थी, क्या नाम था उसका? इगोटिस्टिकल सबलाइम, राइट? बिल्कुल ठीक है ना। चलिए ओके, प्रीत कमल जी कह रही हैं ऑफ कोर्स जॉन कीट्स ब्रदर थे टॉमस कीट्स के, तो क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है, हाँ जी ब्रदर थे, हाँ जी। नहीं बेटा, टॉमस कीट्स के लिए नहीं की थी उन्होंने, टॉमस कीट्स को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था, और करी इन्होंने टर्म ये शेक्सपियर के लिए थी, ठीक है जी। चलिए, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अभी नीचे पहले टर्म्स देखो, फिर ध्यान दो कि टर्म्स का मीनिंग हमें आता है या नहीं, देन फिर से स्टेटमेंट पढ़ो कि ऊपर क्या पूछा है, फिर देखो कि करेक्ट ऑप्शन पूछी है या नॉट करेक्ट पूछी है, या इनकरेक्ट लिखा हुआ है या फिर एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो ये चार चीजें आपको देखनी है कि नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। हाँ, ये चार आइटम आपको देख के स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर ऑप्शंस को देखना है। यस, पैराडॉक्स, वेरी गुड, पैराडॉक्स इज राइट आंसर। पैराडॉक्स होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जो चाइल्ड है वो फादर कैसे हो सकता है एक मैन का, तो ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। क्लिंट ब्रूक्स ने हमें ये टर्म प्रोवाइड की थी, पैराडॉक्स। ओके, अभी देखो, अब एक बड़ी स्टेटमेंट आती है तो बच्चे पहले ही बड़ी स्टेटमेंट देख के डर जाते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले नीचे की ऑप्शंस देखेंगे। ओके, मैम ने पर्सोनिफिकेशन बताया हुआ है कि किसी भी इनएनिमेट चीज को ह्यूमन बीइंग्स की जान डाल देनी, तो होता है पर्सोनिफिकेशन। अनोमोटोपिया होता है कि साउंड्स जो फील होती हैं। एलिट्रेशन होता है जब साउंड रिपीट होती हैं, ठीक है। यहां पर होता है जैसे बज की साउंड हो गई, ब्लिंक की साउंड हो गई। हाइपरबोल होता है किसी चीज को एग्जेजरेट किया है। पर्सोनिफिकेशन वही ह्यूमन फीलिंग्स दी हैं। तो अब देखो, द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, यहां पर ही आ गया है ना, ही आ गया है, किसके लिए ही आया? ही शोन ब्राइट। अब सन को तो हम इट बोलते हैं ना, तो अगर सन को ही बोल दिया तो ह्यूमन फीलिंग्स दे देना बेटा उनको जी, तो क्या आंसर आएगा? पर्सोनिफिकेशन। बेटा क्या आंसर आएगा? पर्सोनिफिकेशन। देखो तो ही शोन ब्राइट, कोई इंसान चमकता है क्या ब्राइट ब्राइट? तो सन अगर ब्राइट चमक रहा है तो वो इंसान की तरह चमक रहा है, क्योंकि ही लिख दिया है यहां पर, और तो वो चीज क्या आएगी? पर्सोनिफिकेशन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है। कभी भी बेटा बड़ी स्टेटमेंट देख के आपका मन नहीं घबराना चाहिए। अगर बड़ी स्टेटमेंट देख के मन एकदम से धक धक भी करने लगा तो पहले ऑप्शंस को देखने लग जाओ, फिर याद करो कि क्या हमें इन ऑप्शंस की डेफिनेशन आती है। अगर आती है तो उसको सोचो कि हाँ यार ये डेफिनेशन थी। अब उन डेफिनेशन को टटोलना शुरू करो कि क्या वो डेफिनेशंस
खरी उतरती हैं इस टर्म के साथ, इस वाली फ्रेज के साथ? अगर यस तो सही आंसर आप अपने आप दे लोगे। चलो, इफ अ पैराडॉक्सिकल अट्रेंस कंबाइंस टू टर्म्स दैट इन ऑर्डिनरी स्पीच आर कॉन्ट्रेरीज। अब पिन पॉइंट्स पकड़ लो कि दो टर्म्स होंगी और दोनों टर्म्स एक दूसरे को कॉन्ट्रेरी करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रास्ट की टू टर्म्स हैं। तो इनमें से आपको सारी चीजें पता है कि एलेग्री क्या है, कंसीट क्या है, ऑक्सीमोरॉन क्या है। तो उसमें आप बताओ मेरे को कि कौन सी दो टर्म साथ साथ लिखी होती हैं और एक दूसरे का वो ऑपोजिट होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आंसर आएगा? ऑक्सीमोरॉन। यस यस, बिल्कुल ठीक है। देन इक्विवोक इज अ व्हाट? इक्विवोट क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ मेटाफर, अ फॉर्म ऑफ मेटोनमी, अ स्पेशल टाइप ऑफ पन एंड एलिट्रेशन। बेटा इक्विवोक क्या चीज होती है? संदीप जी, जो आप मैन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस लिख रहे हो वो एंटीथीसिस की एग्जांपल है। जी बिल्कुल ठीक है आंसर, अ स्पेशल टाइप ऑफ पन। यस, पन को ही इक्विवोक बोलते हैं। पन होता है सेम सेम साउंड्स, जैसे कि होमोफोन्स हो गया, सेम साउंड होती है होमोफोन्स में, जैसे सन, SUN सन भी होता है और SON सन भी होता है। ठीक है, यस, पन इज प्ले ऑन वर्ड्स, वेरी गुड। अब यहाँ पर करेक्ट डेफिनेशन पूछी है तो मतलब एक ही आंसर ठीक होगा, बाकी तीन गलत होंगे। तो इनमें से एलिट्रेशन की पूछी गई है। अब माइंड में पहले खुद से एलिट्रेशन क्या होता है उसके दिमाग में वो चीज सोचो। अगर वो चीज सोच ली, उसको ढूंढो कि क्या वो चीज जो मैंने सोची है वो ऑप्शंस में दी गई है। अगर दी है तो उसको टटोलो अच्छे से ABCD ऑप्शन में, चीजों को एलिमिनेट करो। जैसे कि क्या वो इक्विवोकल एक्सप्रेशन होता है? नो, तो इसको काट दिया तो इसको हम दोबारा नहीं देखेंगे। क्या वो कंट्रास्ट है ऑपोजिट मीनिंग का? नो, वो चीजें तो ऑक्सीमोरॉन में होती हैं। क्या वो रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड है? ये हो सकता है, बट हम डी ऑप्शन पहले देखते हैं। इट इज द यूज ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट इन कॉमन स्पीच। ये तो बेटा क्लीशे होता है, जो चीज दिखनी बंद हो गई है, पुरानी हो गई है। तो हमारे पास क्या चीज रिमेनिंग बच गई? फिर सी ऑप्शन, की ये एक रेपिटेशन होती है स्पीच साउंड की, है ना, जैसे बा बा, ब्लैक शीप, बा बा बा, है ना। तो इसमें बा 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 रिपीट हुआ है तो वो एक एलिट्रेशन है। चलिए अब बताइए मेरे को, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। जब दो फ्रेजेस के बीच में ऑपोजिट बातें आ जाएं, पूरी पूरी फ्रेज दी गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयरनी, एंटी क्लाइमैक्स, बैथोस और एंटी थीसिस। यस, जस्ता बीर जी आज क्लास में नहीं आई हैं। यस, त्रिशा, सनी, आश, आई थिंक न्यू स्टूडेंट है हमारी क्लास में। त्रिशा, आर यू अ न्यू स्टूडेंट? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है सबका। बिकता जी, नए बच्चे एक बार कुछ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कुछ बोला करो, कोई नमस्ते, राम राम, क्लास में आए हैं आप। जी बिल्कुल ठीक है, एंटीथीसिस आंसर आएगा। एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरॉन सेम सेम सा होता है, दोनों में ही कंट्रास्टिंग वर्ड्स लिखे होते हैं, बट ऑक्सीमोरॉन दोनों बिल्कुल साथ साथ लिखते हैं, जैसे बैड के साथ एकदम से गुड लिख दिया, ठीक है, तो बिल्कुल पैरलर लिखा होता है। जी चलिए, अब विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? अलोन, अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी। इसमें आप देखो कि कौन सा एक वर्ड रिपीट हो रहा है, एसोनेंस, एलिट्रेशन, मेटोनमी और पन। अब ध्यान से देखना कि क्या चीज है, क्या चीज ज्यादा रिपीट हो रही है, क्या चीज ज्यादा रिपीट हो रही है। ओके, गुड इवनिंग हैप्पी सिंह जी, आंसर करिए बेटा। जी क्या आंसर आएगा? एसोनेंस। क्या आंसर आएगा? एसोनेंस। एसोनेंस बेटा वाउल साउंड जब रिपीट हो, तो इसमें ए ए रिपीट हो रहा है, अ अ अ अ अ अ, और यहां पर भी अ है। यस, एसोनेंस, वेरी गुड अरमान जी,
बेटा बिल्कुल सही जा रहे हो। यस, ये वाउल साउंड रेपिटिशन है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है जी। बेटा जो एलिट्रे कहाँ गया, जो ये एलिट्रेशन होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कॉन्सोनेंट्स का होता है, कॉन्सोनेंट्स का होता है ये, ठीक है। और जो अपना अलोन अलोन ऑल अलोन में एसोनेंस है वो किसका है, वाउल्स का। ओके, चलिए, चीजें गलत नहीं करनी है बेटा। अ सिटीजन ऑफ नो मेन सिटी, पहले तो ऑप्शंस में देखो क्या आपको ये चारों ऑप्शंस का मीनिंग पता है, क्या ये आपको पता है सर्कमलोकुशन क्या होता है, लाइक टोर्ड्स, यूफेमिज्म, एस्ट्रोफी, सॉरी अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं ना, जैसे हरमन्स बैग, दीक्षास पेन, शीनम्स क्लास, तो ये अपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना, तो इसको अपोस्ट्रोफी यानी कि बिलोंगिंग, ठीक है, कि ये चीज इसकी बिलोंग करती है। तो ए सिटीजन ऑफ नो मेन सिटी, नो मेन क्या हो गया यहाँ पर, तो यानी कि अनमीन कहना चाह रहा है, नो मीन का मतलब अनमीन हो गया, तो अनमीन कहने की बजाय नो मीन कह दिया, तो वो क्या हो जाएगा। वेरी गुड धर्मपाल जी, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या हो जाएगा वो, लाइट टोर्स। वेल, वेरी गुड ममता, यस लाइट टोर्स, यस। नो मीन को इन्होंने ऑपोजिट में क्या लिख दिया, अनमीन। अनमीन लिखना था उसका, अब उन्होंने नो लगा के मीन लिख दिया। चलिए, द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल, कि पूरा ही सिटी बाहर चलेगी एक विजेता को देखने के लिए जी। द होल सिटी, मेटोनिमी, पन, आयरनी और एपिग्राम, पूरा ही शहर चला गया। क्या पूरा शहर खुद से चल के जा सकता है या वो शहर के लोग जाएंगे, बताइए। करते चलो आंसर, करते चलो, मैं भी तो देखूं जी। करिए करिए, बिल्कुल ठीक है, करते जाओ आंसर। बेटा ये चीज तो मैं आप लोगों को, आपका पहली बार टर्म्स का टेस्ट हो रहा है, तो ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ के सिखा भी रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ और टेस्ट भी ले रही हूँ। बट जब एग्जाम में दोगे तब कौन सा मैं वहां पर बैठ के बोलूंगी स्टेटमेंट, मुझे बताओ, है ना। मैं वहां पर बैठ के स्टेटमेंट तो नहीं बोलूंगी ना आप लोगों के लिए, तो खुद से स्टेटमेंट को उस अंदाज से बोलना है कि अगर हमें शीनम मैम क्लास में करवा रही होती तो वो किस तरीके से हमें समझाती। क्या वो हमें ना कहती कि बेटा ध्यान से पढ़ो, नोट करेक्ट तो नहीं लिखा, इनकरेक्ट तो नहीं लिखा। अगर होल सिटी लिखा है तो क्या उस होल सिटी में लोगों की बात तो नहीं की गई, और अगर पीपल को होल सिटी बोल दिया तो वो क्या हो गया, मेटोनमी। मेटो मतलब होता है अदर, निमी मतलब होता है नेम, यानी कि पीपल को पीपल कहने की बजाय होल सिटी बोल दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा, मेटोनमी। बिल्कुल सिंपल चीज है जी। चलो आगे करो, 10,000 सो आई एट अ ग्लांस, कि 10,000 जो फूल थे वो मुझे एक नजर में दिख गए। ऑक्सीमोरॉन, क्या वो दो चीजें ऑपोजिट यहाँ पर लिखी हैं, कोई ऐसी दो चीजें हैं जो ऑपोजिट हैं। हाइपरबली, क्या वो ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा। पन, क्या दो साउंड्स ऐसी हैं जो सिमिलर सिमिलर हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट, यस बिल्कुल ठीक है। आई हाइपरबली, यस हाइपरबली बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, आगे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको उसमें समझाऊंगी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता। यस चलिए, द वर्ड प्ले ऑन वर्ड्स क्या होता है, प्ले ऑन वर्ड्स, इसमें से प्ले ऑन वर्ड्स क्या चीज होती है, पन, सिमिली, हाइहू, मेटाफर। यस, क्या आंसर है, पन। क्या आंसर आएगा बेटा, पन, यस वेरी गुड। चलिए, ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिल्लो, जो पिल्लो है ये जो ऑब्जेक्ट है, ये चीज मैंने करवाई थी, ऑब्जेक्ट में फीलिंग्स डाल दी कि ऑब्जेक्ट वो स्लीपलेस है, स्लीपलेस ऑब्जेक्ट। कभी एक सिरहाना है जो तकिया है, क्या वो स्लीपलेस सारी रात जाग सकता है,
मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिग्राम। जी वेरी गुड। अभी रविंदर का सिग्नल भी बिल्कुल बराबर चल रहा है, नेटवर्क अच्छा हो गया, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। यस ट्रांसफर्ड एपिथेट, वेरी गुड स्तुति, वेरी गुड धर्मपाल जी। नवजोत का गलत है। यस बेटा जी ये देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन वाली बात नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट को सांस नहीं आ रहा, कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें उसको ही शी बोला गया है। ऑब्जेक्ट में जो स्लीपलेस बोल दिया, कि ऑब्जेक्ट की तारीफ कर दी है कि जो पिलो है वो स्लीपलेस है, कि वो पूरी रात जागता रहा है, नींद नहीं आई पिलो को, यानी कि जो वो पर्सन है सारी रात जाग रहा था अपने पिलो के ऊपर, जो पिलो है वो स्लीपलेस था। यस वेरी गुड हरमन, बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। तो ट्रांसफर कर दिया अपना एपिथेट, यानी कि ऑब्जेक्ट को, यस यस रॉन्ग एडजेक्टिव, यस रॉन्ग एडजेक्टिव दे दिया, यस बिल्कुल ठीक है। चलिए ही इज अ चीयरफुल पेसिमिस्ट, चीयरफुल होता है खुशनुमा, पेसिमिस्ट होता है बुझा बुझा सा, उदासीनता वाला, नेगेटिव पर्सन। तो ये क्या चीज है? क्लाइमैक्स, मेटोनमी, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अरमान जी, अभी नेक्स्ट और भी ट्रांसफर्ड एपिथेट के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। यस ये क्या है? ऑक्सीमोरॉन। चीयरफुल के साथ पेसिमिस्ट डाल दिया, एक पॉजिटिव वर्ड आ गया, एक नेगेटिव वर्ड आ गया, है ना, तो दोनों को साथ में रख दिया तो वो कंट्रास्टिंग हो गया, तो वो हो गया ऑक्सीमोरॉन। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, बताओ। अब ये एक फ्रेज में ओपोजिशन आ गई है, एक फ्रेज में जब ओपोजिशन आती है तब उसको क्या बोलते हैं? एपिग्राम, ऑक्सीमोरॉन। बेटा क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना इसका, ताकि मुझे पता लगे कि आप पीछे का आंसर कर रहे हो या आगे का आंसर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बिल्कुल ठीक है। एंटीथीसिस, अब आपको ऑक्सीमोरॉन और एंटीथीसिस पता लग गया ना। ऑक्सीमोरॉन अगर सिल्वर के एग्जैक्ट बाद गोल्डन लिखा होता तो वो गिना जाता कि ये दो चीजें हैं वो ऑक्सीमोरॉन है, बट ये पूरा पूरा सेंटेंस बताया गया है, जो स्पीच को साइलेंस के साथ, सिल्वर को गोल्डन के साथ, पूरी पूरी फ्रेज ही एक दूसरे को एंटी कर रही है, काट रही है, तो क्या हो जाएगा वो? एंटीथीसिस। बेटा पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसमें से मुझे निकाल के एक सही आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर डाल देना साथ में। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? यस करते जाओ आंसर, करते जाओ। हैप्पी सिंह जी, एफ तो ऑप्शन में नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है, करते चलिए। यस स्तुति, यस सी, 50 का सी ऑप्शन है, सबका ठीक है। यस शगन, ममता, प्रीत कमल जी, यस ह्यूमन फीलिंग्स देना, ओके कहाँ गया? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ह्यूमन फीलिंग्स देना इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को, यस सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए, आई बेबल ऑन द पेबल, आई मर्मर अंडर द मून एंड स्टार्स। पहले तो यहां पर देख लो, क्या हाइपरबली की बात हो रही है, क्या ऑक्सीमोरॉन है, पन है, ओनोमोटोपिया है। ओनोमोटोपिया क्या होता है? साउंड, बज, बजिंग की साउंड, ट्रिंग ट्रिंग, रिंग रिंग। ऑप्शन ट्राई करो, आई बेबल ऑन द पेबल, आई मर्मर अंडर द मून एंड स्टार्स। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करना बेटा, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर करके बताओ। वेरी गुड, शिवानी शर्मा जी प्लीज क्लास में आइए बेटा, आपके बहुत से आंसर्स गलत आ रहे थे, बहुत से गलत थे। यस हैप्पी सिंह जी, आप क्या पूछ रहे हो? मैम खाजी टीसी, पता नहीं आपने क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यस 51 का ए आंसर बिल्कुल ठीक है, बैबल करना और मर्मर करना। मर्मर एक साउंड है जिसको रिटन फॉर्म में लिखा गया है, जैसे ब्लिंक ब्लिंक, टिंग टोंग, ये साउंड्स होती हैं, बजिंग, ट्रिंग ट्रिंग, ये साउंड्स, मर्मर, ये साउंड्स हैं जो रिटन फॉर्म में है, इसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। ओके
जी हाँ जी रविंदर जी, गलत हो गया था आपका. ही रिसीव्ड अ मोर्टल वूंड, उसको एक मतलब मोर्टल हो गया जो विनाशक, विनाशकारी टाइप का, जिससे दर्द हो, फैटल, फैटल बोलते हैं जिसको, जिससे मौत हो जाए. ही रिसीव्ड अ मोर्टल वूंड, किसी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को, वूंड को फीलिंग दे दी, उसको बता दिया कि जो वूंड है वो कैसा था, उसकी तारीफ करके बताया है, चाहे वो तारीफ उसकी विशेषता बताई है. यस यस बिल्कुल ठीक है. जब किसी चीज की, किसी एक नाउन की उसकी विशेषता बताई जाए, एडजेक्टिव बताया जाए उसका, तो वो क्या होता है? यस, वो क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट. क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट. चलिए इसमें बेटा मेटोनिमी बताना है आपको और नॉट करेक्ट बताना है. नॉट करेक्ट, ये चीज मैं एग्जाम में बोलने नहीं आऊंगी आपको कि बेटा इसमें नॉट लिखा हुआ देख लो, ठीक है? क्योंकि जो हमारी आंखें होती हैं वो हमेशा ही हमें धोखा देती हैं. वो वही देखना चाहती हैं जो हम देखना चाहते हैं. ओके, वो वही देखती हैं. तो आप लोग फटाफट से करेक्ट देखोगे और देख लोगे, अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, और अगला क्वेश्चन कर लोगे. तो नोट जरूर देखना है. तो देखो एक आंसर बिल्कुल गलत है, बाकी तीन बिल्कुल ठीक है, और क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना इसका. बेटा जी अभी 100 क्वेश्चंस और पड़े हैं. यस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. और बाकी चीज देखो, मेटोनमी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है चेंज ऑफ नेम, यानी कि अदर नेम. बिल्कुल ठीक है. मेटोनमी आता है जब हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ एसोसिएट करते हैं. बिल्कुल ठीक बात है. स्केप्टर को यूज किया जाता है किंग के लिए. बिल्कुल ठीक है. क्राउन और स्पेक्टर दोनों ही वर्ड्स किंग के लिए यूज होते हैं. मेटोनमी एक पार्ट नहीं है जो दूसरों को सिग्निफाई करे. नो, ये गलत है. ये मेटोनमी की डेफिनेशन नहीं है, ये सिनक डकी की डेफिनेशन है. सिनक डकी की डेफिनेशन है ये. अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू सिग्निफाई होल. यस, दीक्षा ऐसी अपनी आंखें खींच रही है कि यस मेरा गलत हो गया. सी ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि वो सिनेक डकी की डेफिनेशन है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लोग जब नूडल्स बोलते हैं, बोलना चाहते हैं, तो वो हर तरीके के नूडल्स को मैगी बोल देते हैं. जब टूथपेस्ट बोलना चाहते हैं तो वो हर एक चीज को, हर टूथपेस्ट के नाम को कोलगेट बोल देते हैं. जब स्कूटी का नाम आता है तो वो अपनी स्कूटी बोलने की बजाय बोल देते हैं कि मेरी एक्टिवा नीचे खड़ी है, चाहे उसकी एक्टिवा टीवीएस हो, जुपिटर हो, पैंथर हो, कोई भी हो, है ना? तो वो चीज है कि एक एक सिंगल चीज सारे पार्ट को. यस यस, व्हील्स, व्हील्स यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए. यस बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल्स दे रहे हो. वेरी गुड जी. चलिए, ब्रूटस पीस, काउंट द क्लॉक. ब्रूटस कहता है कि शांति रखो और घड़ी को काउंट करो. कैशियस कहता है द क्लॉक हैज स्ट्राइकन 3, कि घड़ी में 3 बज गए हैं. ये एग्जाम्पल ब्रूटस और कैशियस की कहां पर देखी गई थी? क्या ये कैकोफोनी है? पहले तो कैकोफोनी आपको पता होना चाहिए क्या होती है. आप लोगों को यूफोनी और कैकोफोनी करवाया गया है क्लास में, है ना? साउंड जो कि स्वीट हो, और जैसे एग्जाम्पल्स भी दी थी, है ना, कि जैसे सोनू निगम की आवाज यूफोनी है, एंड कैकोफोनी आप लोगों ने खुद ही सिंगर का नाम लिया था, कैकोफोनी की आवाज किसकी है. फ्री वर्ड्स, एनाक्रोनिज्म, एलजी. वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. यस यस, कैकोफोनी होगी जैसे क्रो लाइक साउंड. यस, क्रो लाइक साउंड, एनाक्रोनिज्म बिल्कुल ठीक आंसर है. ये जूलियस सीजर्स की लाइन ली गई है. ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब मिसमैच जगह पर कोई आइटम इंट्रोड्यूस करी जाए, क्लॉक उस टाइम पर जूलियस सीजर के टाइम पर हुआ ही नहीं करती थी, है ना? तो एक मिसमैच पीरियड हो गया. अगर क्लॉक को दिखाया गया है तो उस चीज को हम बोलेंगे एनाक्रोनिज्म. जी चलिए, व्हाट इज द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड बाय लैम व्हेन ही राइट्स. ये चार्ल्स लैम ने ये लाइन लिखी थी, आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडल डाइवर्जन्स. पहले तो ये चारों चीजें देख लो कि आपको ये, क्या ये चारों चीजें पता है क्या होता है, फिर अब बताओ कि ये चारों चीजें इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं सूट करती हैं,
अगर करती हैं तो आंसर करिए जी, बताइए बताइए बेटा। एनाक्रोनिज्म हो गया कि जैसे आज लोग हेडफोन्स यूज करते हैं, है ना, एप्पल का फोन यूज करते हैं, हेडफोन्स यूज करते हैं, और मैं क्या चीज बताऊं, जैसे मान लो ये एक माउस पड़ा है, ये इसकी वायर नहीं ना है, ये एक वायरलेस माउस है। तो अगर क्या वायरलेस माउस 1900 फॉर एग्जांपल 24 में था, अगर 1924 में क्या वायरलेस माउस होता था, फॉर एग्जांपल अगर क्या क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर, फॉर एग्जांपल क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर क्या कार्स होती थी, क्या एरोप्लेन्स होते थे, क्या ट्रैम कार्स, मेट्रो मेट्रो जो रेल है वो होती थी। मतलब अगर एलिजाबेथ का हम कुछ टाइम समझा रहे हैं तो हम ये कह दें कि क्वीन में एलिजाबेथ मेट्रो पे चल के दिल्ली आई थी, तो मतलब जब मेट्रो होती नहीं थी तो ये चीज आप नोवेल में अगर दिखा रहे हो तो वो चीज हो गई एनाक्रोनिज्म। ठीक है, वो चीज हो गई एनाक्रोनिज्म, जब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी फिर भी राइटर ने उस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया किसी हिस्टोरिकल चीज में, कि तब क्वीन विक्टोरिया दिल्ली आई थी, सॉरी क्वीन एलिजाबेथ आई थी दिल्ली और मेट्रो पर चढ़ के बंगला साहिब गुरुद्वारा गई है, है ना। तो चीज कितनी मिसमैच हो गई कि क्या तब होती थी मेट्रोज, मेट्रोज तो कितनी लेट इंट्रोड्यूस हुई है, क्या तब मोबाइल फोन होते थे, लिखा आज क्वीन एलिजाबेथ ने चौसर को फोन किया, तो क्या ये पॉसिबल है। तो उसी तरीके से पीछे वाले क्वेश्चन में यही था कि क्लॉक को इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा, क्लॉक जब जूलियस सीजर होता था ना तब घड़ियां बनी नहीं थी उस टाइम पर। चलिए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, जो बिजी आइडल है ये दोनों वर्ड ही ऑक्सीमोरोन है, बिजी रहना मतलब बिजी होना, आइडल मतलब वेले रहना, तो ऑक्सीमोरोन आंसर आएगा। चलिए यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, बताइए यूनाइटेड वी स्टैंड, अब फ्रेज ऑपोजिट आ गई है, तभी ये दोनों क्वेश्चंस मैंने पैरेलल पैरेलल रखे हैं ताकि आपको और अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो जाए। यस, एंटीथीसिस, यूनाइटेड की डिवाइडेड हो गया, स्टैंड का फॉल हो गया, दोनों फ्रेज एक दूसरे को काट रही हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, एंटीथीसिस। लीव्स डांसिंग, लीव्स डांस कर रही हैं, ये किस चीज की एग्जांपल है, पैथेटिक फैलेसी, हाइपरबली, पन, कंसीट, बताइए ये किस चीज की एग्जांपल है जो लीव्स हैं वो डांस कर रही हैं। थैंक यू अरमान जी, थैंक यू सो मच। ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई भी डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हो, नो वरीज, जब तक आप पेपर क्लियर नहीं कर लेते मैं यहीं बैठी हूं आप लोगों के साथ, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक अच्छी सी एग्जांपल्स के साथ, जो एग्जांपल्स आपको कभी नहीं भूलेंगे। यस, पैथेटिक फैलेसी की एग्जांपल है, पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, मर्डरस इनोसेंस किस चीज की एग्जांपल है ये, ऑक्सीमोरोन, कियास्मस, जियोग्मा, पन। क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो बेटा, पता नहीं चलता आप लोग क्या आंसर कर रहे हो। हां जी, क्या आंसर है, ऑक्सीमोरोन, तो अब आपको ऑक्सीमोरोन कभी नहीं भूलेगा, राइट। ही इज द वेरी पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस, ही इज द वेरी पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस, ये सेंटेंस क्या चीज है, पैरोनोमेजिया, मेलाप्रोपिज्म, स्पूनरिज्म और एनाफोरा, क्या चीज है, ही इज द वेरी पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस, बताइए बताइए। बी, वेरी गुड, यस, मेलाप्रोपिज्म, ये मिसेस मेलाप्रोप थी, द राइवल्स नाम से वर्क आया था आरबी शेरिडन का, उनके वर्क्स में मिसेस मेलाप्रोप थी, उन्होंने ये लाइन एक फ्रेज इंट्रोड्यूस करा था, मान लो किसी ने पिनेकल बोलना था, ही इज द वेरी पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस, यानी कि पोलाइटनेस की भी बिल्कुल पीक पे है वो बंदा, वो इतना पोलाइट है कि पोलाइटनेस की भी हद तक पोलाइट है वो, पर उसने बोल दिया पिनेकल की जगह पाइनएप्पल, तो कितना फनी साउंड भी करा और वर्ड को सिमिलर साउंड जैसा ही कुछ और बोल बैठना, ठीक है, तो वो क्या चीज हो गई, मेलाप्रोपिज्म। ओके, चलिए
आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मुझे इतनी भूख लगी है मैं तो घोड़ा भी खा जाऊं. तो ये क्या चीज है, हाइपरबली, आयरनी, मेटाफर या नन ऑफ द अबव? क्या चीज है ये कि मैं एक घोड़ा भी खा जाऊं इतनी भूख लगी है जी? चलिए बिल्कुल ठीक जा रहे हो, करते चलो आंसर करते चलो जी. यस 61 का हाइपरबली आंसर बिल्कुल ठीक है कि वो बंदा कितनी एग्जेजरेट बात कर रहा है जी. यस रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन, आरबी शेरिडन, मिसिज मैलाप्रोप वाला बिल्कुल ठीक है आंसर. यस नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. ये क्या चीज है, जो नेसेसिटी है वो एक माँ है ऑफ इन्वेंशंस की, आविष्कार की. इमेजरी, अपोस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन, नन ऑफ द अबव, बताइए. ये लाइन तो आप बहुत सुना करते हो ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना? तो ये चीज क्या है, इमेजिनरी, अपोस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन, नन ऑफ द अबव? वेरी गुड, करते चलो आंसर करते चलो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो. यस ओके, ये हमारे स्मॉल वंडर्स एडुकेयर स्कूल वाले कौन है स्टूडेंट, एक बार अपना नाम बता दो ताकि मुझे आगे भी ध्यान रहे जी. बिल्कुल ठीक है, पर्सोनिफिकेशन. यस चलिए, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, हाइपरबली, अपोस्ट्रोफी, कि कितने भी परफ्यूम हो जाए अरेबिया के, इस छोटे से हाथ को खुशबूदार नहीं कर सकते, बताइए बेटा. ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर लिखना साथ में. ओके लखवीर जी हैं, ठीक है जी. वेरी गुड अरमान, यस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. हाइपरबली आंसर है इसका, कि ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बात कर दी गई है. चलिए, द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, कि जो मेरा प्यार है वो एक लाल रंग का गुलाब की तरह है. इज लाइक अ रेड रेड रोज, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली. दीक्षा एकदम ऐसे हो जाती है कि हाँ मेरे को आता है, यस सिमिली आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. चलिए, लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, लाइक अ पेशेंट, मेटाफर, सिमिली, क्लाइमैक्स, पर्सोनिफिकेशन जी. बिल्कुल ठीक जा रहे हो, करते चलो आंसर. यस क्या आंसर आएगा 65 का भी, सिमिली. यस बिल्कुल ठीक है. चलिए अब पर्पल पर्पल वाले को ध्यान से देखो. अ सिंगल स्पीकर एट अ क्रिटिकल मोमेंट एड्रेसेस अनदर, इतनी सी लाइन देखो और नीचे ऑप्शंस ढूंढो कि एक सिंगल स्पीकर बोल रहा है, वो सामने वाले को कुछ कह रहा है. हुज प्रेजेंस इज इम्प्लिसिट इन व्हाट द स्पीकर सेज, उसके जो सामने जो इमेजिनरी पर्सन है उसको बोल रहा है, और वो इमेजिनरी पर्सन कौन है, वो उस स्पीकर की आवाज से हमें फील आ रही है. कोई एक स्पीकर है वो कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, किसको बोल रहा है, वो एक इमेजिनेटिव मैन है, पर वो इमेजिनेटिव मैन की जो फीलिंग्स भी है, इसकी जो फीलिंग्स भी है, वो भी हमें इसी स्पीकर के थ्रू ही पता लग रही है. ओके इसी स्पीकर के थ्रू पता लग रही है. तो ये क्या चीज थी, बताइए क्या चीज थी ये? यस क्या है ये, बताइए. ड्रामेटिक मोनोलॉग, व्हेन अ सिंगल पर्सन स्पीकिंग टू एन इमेजिनेटिव मैन. बेटा सोलिलोक्वी जो होता है वो अपने आप से बात करना है. यहां लिखा है एड्रेसेस अनदर पर्सन, कि दूसरे को बात कर रहा है. सोलिलोक्वी होता है व्हेन ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करनी, किसी को भी ना पता लगना कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो. ओके चलिए, पैराडॉक्स एंड टेंशन आर क्रिटिकल टर्म्स प्रमोटेड बाय हूम, किसने दी थी ये टर्म्स जी, किसने दी थी पैराडॉक्स और टेंशन? बताइए बताइए, किसने दी थी ये टर्म?
चलो बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। यस, टेट एंड ब्रूक्स ने, किसने दी थी? टेट एंड ब्रूक्स ने। व्हाट इज, अच्छा कॉलरिज ने इनमें से टर्म दी है, पहले तो कॉलरिज आ गया तो हम फटाफट से टर्म देख लेंगे कॉलरिज ने कौन सी दी थी। देन लिखा है व्हेन इट डिसोल्व्स डिफ्यूजेस डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, जो चीज रिक्रिएट करी जा सकती है वो क्या होता है, रिक्रिएट की जाए। फैंसी, एपिफेनी, स्केंड्री इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करना राजे, जो चीज बार बार रिक्रिएट की जा सके। पहले इमेजिनेशन कर लिया, फिर उसको इमेजिनेशन को रिक्रिएट करा है। जी करो करो आंसर करो, एक बार एक दूसरे का देख के नहीं करना, अपने आप से करो। जी सी आंसर बिल्कुल ठीक जा रहा है, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होती है, सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो रिक्रिएट होती है। जो प्राइमरी इमेजिनेशन होती है वो फिक्सिटीज पे होती है कि जो चीज देख ली वो हमें प्राइमरी फिक्स हो गई माइंड में। सेकेंडरी होता है उस प्राइमरी इमेजिनेशन को जब हम दोबारा सोचते हैं, दोबारा डिजोल्व डिफ्यूज डिसिपेट, दोबारा उनके ऊपर विचार करते हैं, तब जो क्रिएशन निकल के आती है वो होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन। ठीक है, जब हमने उस चीज के बारे में सोचा, पहले मान लो आपने एक एरोप्लेन उड़ता देख लिया तो वो तो आपकी प्राइमरी इमेजिनेशन में आ गई ना वो चीज, पर उस एरोप्लेन को जब आपने ड्रॉ किया, उस एरोप्लेन को सोच के कि यार वो ऐसा दिखता था, तो उस चीज को हम कहेंगे सेकेंडरी इमेजिनेशन। चलिए, द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फर्स्ट यूज्ड बाय एलियट इन हिज विच वर्क, फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, मेटाफिजिकल पोएट्स, एसे ऑन हैमलेट। बताइए किस बुक में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आया था? आंसर करते चलो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट खत्म करनी है क्लास। यस बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स। यस बिल्कुल ठीक है। चलिए, वर्ड्स दैट हैज नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर और राइम, नो स्टैंजाइक पैटर्न, कुछ भी ना हो उसको क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्ड्स, फ्लेक्सिबल वर्ड्स, हीरोइक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स। बताइए जल्दी करो बेटा, 80 क्वेश्चंस और पड़े हैं, फटाफट आंसर करो फटाफट। जी बिल्कुल ठीक है, फ्री वर्ड्स क्या बोलते हैं, डी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, फ्री वर्ड्स। जो चीज में कोई थीम, राइम, स्टांजा फॉर्म कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं फ्री वर्ड्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज एफोरिस्टिक प्रोज स्टाइल, एफोरिज्म के लिए किसको जाना जाता है? विलियम हेजलिट, चार्ल्स लैम, जीके चेस्टर्टन, फ्रांसिस बेकन। बेटा ब्लैंक वर्ड्स होती है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, उसमें राइम रहता है बट वो अनराइम्ड होता है। करते जाओ, वेरी गुड, क्या आंसर है? फ्रांसिस बेकन। यस, फ्रांसिस बेकन को हम अफोरिज्म के लिए, अफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जानते थे, कि ये छोटी बड़ी, मतलब एक बड़ी बात छोटे सेंटेंस में कह देते थे। ठीक है, ब्रीफली बात करते थे, एक बहुत बड़ी बात को छोटे सेंटेंस में भी कंप्लीट कर देते थे। चलिए, एक राइमिंग लाइन रिटर्न ऑन टोमस्टोन, टोमस्टोन पे लाइन किसके लिए लिखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? एपिटाफ, ओड, अक्रोस्टिक, बर्डलस्क, क्या बोलते हैं किसी की टोमस्टोन पर अगर लाइंस लिखी जाए तो? वेरी गुड, करते चलो आंसर। यस आई नो आप सबको आता है, करते चलो। यस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एपिटाफ क्या बोलते हैं? एपिटाफ। यस चलिए, द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोइम कौन सी है जो हजारों साल भी कवर कर ले? एलिजी, फ्री वर्ड्स, एपिक पोइम या बैलेड? जी सबसे लॉन्गेस्ट पोइम कौन सी होती है बताइए, बताइए। क्या आंसर आएगा? एपिक पोइम। यस, जो एपिक है वो हजारों साल चलती है, जैसे रामायण, महाभारत, है ना? यस वेरी गुड, एपिक पोइम्स होती हैं ये, बहुत लंबी रहती हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट फिक्शनल, मतलब जिसमें टीच किया जाए, रिलीजियस प्रिंसिपल्स टीचिंग दी जाए, मोरालिटी बताई जाए, मोरल लेसन सिखाए जाए, उसको क्या बोलते हैं? एक प्रोज, ट्रिक्स्टर टेल, पैरेबल या कोई सीरियल? क्या
क्या बोलते हैं जिसमें रिलीजियस लेवल के ऊपर मोरल लेसन्स दिए जाते हैं, बताइए। यस बिल्कुल ठीक है, करते चलो आंसर। वेरी गुड जी, यस वेरी गुड। एनी, शगन, रवीना, श्रुति, धर्मपाल, शिवानी, बिल्कुल ठीक है। सी, पैरेबल क्या होता है? किसी को मोरल टीचिंग्स देना। ओके चलिए, क्या चीज है वो एपिसोडिक फॉर्म में है? स्पेनिश वर्ड पिकारो से आई है जिसको रॉग बोलते हैं। इसमें से कौन सा नॉवल है जो पिकारो वर्ड से बना है जिसको ठग यानी कि रॉग बोलते हैं? एपिस्लरी, सटायरिकल, एलेगोरिकल या पिकरस्क, बताइए। यस दीक्षा, लखवीर जी, सबका ठीक है। नितिका, ऋषभ, यस हैप्पी, यस पिकारस्क, यस पिकारस्क नॉवल है। क्या आंसर है? पिकारस्क, पिकारो वर्ड रॉग से आया है। ओके अब यहाँ पर है बैलेड, फेबल्यू, पैरेबल और फेबल। इसमें से कौन सी चीज है जिसमें ऑब्सीन चीज दिखाई गई है, लोअर क्लास कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और शॉर्ट कॉमिक सटायरिकल वर्स होती है? अब ये चीजें हैं जो मेन मेन हाइलाइटिंग आप ढूंढ लिया करो अपनी नजर से कि अच्छा जी शॉर्ट चीज है, कॉमिक है, ओके, और ऑब्सीन चीज है, लोअर क्लास लोग हैं, रियलिस्टिक चीज पे है, तो क्या होगा वो? क्या होगा फिर वो? क्या वो बैलेड में होती है ऐसी चीज? कॉमिक होता है क्या बैलेड? नहीं, पैरेबल में तो मोरल टीचिंग्स है ना, पैरेबल में गंदी चीज कोई भी नहीं दिखाई जाती। फेबल तो एनिमल्स की स्टोरीज होती हैं, तो फेबिल्यू क्या होगा? फेबिल्यू में ऑब्सिनिटी, वल्गैरिटी दिखाई जाती है। यस जैसे मिलर्स टेल थी कैंटरबरी टेल्स में। अ स्टैंडर्ड सोनेट इज अ पोइम ऑफ हाउ मेनी लाइंस? किसी भी एक स्टैंडर्ड सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं? 14, 12, 16, नन, बताइए। 77 का आंसर बताइए बेटा जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 14 लाइंस होती हैं किसी भी सोनेट में, चाहे वो पिकर, चाहे वो पिट्रार्कन हो, स्पेंसेरियन, शेक्सपियरियन, सब में 14 लाइनें होती हैं। कौन सा आर्ट है वो किसी की वर्क को डिमिनिश करता है, किसी के वर्क के सब्जेक्ट को उसको रिडिक्यूल और अम्यूजमेंट बना देता है? किसी के वर्क को, किसी के सब्जेक्ट को डिमिनिश करना यानी कि गिरा देना, छोटा दिखा देना। एलेगरी, पैरेडी, मेलाड्रामा, सटायर, किसमें किसी और के सब्जेक्ट को तुच्छ दिखाया जाता है, डिमिनिश किया जाता है? वेरी गुड, यस पैरेडी, यस। जैसे जोसेफ एंड्रयूज ने पैमेला को अपने जोसेफ एंड्रयूज में जिसका सब्जेक्ट है वो थोड़ा चेंज कर दिया था, है ना, उसके ऊपर पैरेडी की थी। यस चलिए, आयाम्बिक पेंटामीटर में कितनी लाइंस होती हैं? 5, 9, 7, 6, सॉरी, कितनी होती है आयम्बिक पेंटामीटर में लाइंस? मैं बहुत सुबह की उठी हुई हूँ आज, आप लोगों के लिए टेस्ट तैयार किया, फिर घर में भी बहुत काम था जी। बताइए आयम्बिक पेंटामीटर में कितनी लाइंस होती हैं? यस 5 फीट होता है, वेरी गुड, प्लस 10 सिलेबल्स होते हैं, ठीक है, 5 फीट्स के 10, 5 फीट के 10 सिलेबल्स होते हैं आयम्बिक में। आयाम, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, आयाम होता है 2, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, इसमें तो हो गए 2, पेंटा में होते हैं 5, और 5 का सेट जो दो दो में हो तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10, 10 सिलेबल्स हैं, ठीक है, 5 फीट हैं, 5 फीट हैं, 5, यानी कि 5 बार अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये 5 बार है, ठीक है, और दो का पेयर है, देखो पेयर है तो आयाम है ये, आयाम, आयाम यानी कि दो, दो का अनस्ट्रेस स्ट्रेस है, 5 का सेट है, 5 फीट है, ओके, और टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल कितने हैं? 10, ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन किसने दी थी? एरिस्टोटल ने, ये हम कर चुके हैं। चलिए, हु इज द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसने टर्म कॉइन की थी? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म किसने दी थी, बताइए जल्दी जल्दी। 81 का आंसर कर रहे हैं आप, हैप्पी सिंह जी, आप बहुत पीछे क्वेश्चन पर हो, 72 नंबर पर ही घूम रहे हो अभी तक जी। क्या आंसर आएगा? 81 का आंसर करिए। यस टी एस एलियट, बिल्कुल ठीक है,
ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म किसने दी थी? टीएस एलियट ने. चलिए ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? क्या ये राइंड होता है, अनराइंड होता है, डिक्टाइलिक और एनापेस्टिक? 82 का आंसर बताइए, जल्दी करिए बेटा, क्लास जल्दी जल्दी ओवर करेंगे, इजी इजी टर्म्स रह गई हैं अब तो. यस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यस वेरी गुड. अनराइंड आयाम्बिक पेंटामीटर, ओके, ये अनराइंड रहता है और आयाम्बिक पेंटामीटर में रहता है ये, यानी कि इसका मीटर तो है, जो फ्री वर्ड्स होता है उसका तो मीटर भी नहीं होता. नो मीटर नो राइम स्कीम, जो इसमें है राइम स्कीम है बट वो अनराइंड है. ठीक है, चलिए बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट, सोनेट कौन सी कंट्री में से निकली है? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और ग्रीस. सोनेट को कहां से लाया गया था? इंग्लैंड में. क्या वो इंग्लैंड की ही थी, फ्रांस की थी, इटली की थी या ग्रीस की? 83 नंबर लिख के आंसर करिएगा जी, 83 लिख के आंसर करना. जा सही जा रहे हो, करते चलो करते चलो. यस यस, क्या आंसर आएगा? इटली. क्या आंसर आएगा? सोनेट कहां से आई है? इटली की. इटालियन पोएट थे पेट्रार्क. पेट्रार्कन सोनेट नहीं सुना आप लोगों ने? पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम तो फटाफट से आंसर कर ली थी आप लोगों ने. तो इटालियन सोनेट कौन लेके आया था? पेट्रार्क जी. और इंग्लैंड में कौन लेके आए थे? टॉमस व्याथ जी. चलिए टर्जा रीमा में कितनी लाइंस होती हैं? 4, 3, 5, 2. कितनी लाइंस होती हैं टर्जा रीमा में? 84 का आंसर करना है आप लोगों को. टर्जा रीमा में कितनी लाइंस होती हैं? वेरी गुड, कितनी होती हैं? 3 लाइंस. बस आप लोगों को इजी इजी टर्म्स दे दो तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर गलत करोगे आंसर. अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, जोन सा कैरेक्टर में कुछ भी चेंज ना हो, थ्रू आउट द स्टोरी उसका सेम बिहेवियर रहे. राउंड कैरेक्टर, डायनामिक कैरिकेचर या फ्लैट कैरेक्टर? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फ्लैट करेक्टर है वो, एकदम फ्लैट रहता है, बिल्कुल सेम थ्रू आउट द स्टोरी, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता. चलिए द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज, सटायर में क्या देखने को मिलता है? टू मोन, टू अराउज पिटी, टू प्रेज, टू रिडिक्यूल फोली और वाइस. सटायर में क्या देखने को मिलता है बेटा? 86 का आंसर करेंगे आप लोग जी, बिल्कुल ठीक है. यस डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि फोली और वाइस को रिडिक्यूल किया जाता है. एलिप्सिस क्या होता है? एलिप्सिस ओमिशन ऑफ वर्ड्स, एडिशन ऑफ वर्ड्स, मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स, बाकी तो नन ऑफ अबव लिखा है. तीन चीजें बताइए आपको. एलिप्सिस मैंने ऐसे दिखाया था, डॉट 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 को बोलते हैं एलिप्सिस. तो क्या है ये? ओमिशन ऑफ वर्ड्स है या एडिशन ऑफ वर्ड्स है या मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स है ये? Yes, क्या है ये? ओमिशन ऑफ वर्ड्स. क्या है ये? ओमिशन ऑफ वर्ड्स. चलिए यूजिंग सॉफ्टर साउंड्स वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, ब्लंटनेस को दिखाने के लिए एक सॉफ्ट वर्ड यूज कर देना, सॉफ्ट साउंड यूज कर देनी, उसको क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म, यूफुइज्म या एजोनेंस या रेजोनेंस? ध्यान से आंसर करिए. यस बिल्कुल ठीक जा रहे हो, करते चलो करते चलो. यस यस बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन 89 का, यूफेमिज्म, जिसका मतलब है कि जैसे डेथ को हम पास अवे लिख सकते हैं तो वो चीज कम ब्लंट लगेगी, कि ब्लंटली किसी को ये नहीं बोला कि वो मर गया, ये बोल दिया कि वो स्वर्गवासी हो गया. ठीक है जी. आगे है 7 लाइन स्टांजा को क्या बोलते हैं? टर्जा रीमा, टेट्रामीटर, राइम रॉयल, इंटरनल राइम. क्या बोलते हैं बेटा 7 लाइन स्टांजा को? बेटा आप लोग अपने मार्क्स साथ साथ लिखते रहना कि आप लोग कितने का आंसर ऐसे सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो. खुद को असेस करोगे तभी बात बनेगी. मैं आपको आके आपकी कॉपीज नहीं चेक करूंगी जी, खुद का आंसर खुद से चेक करना है. वेरी गुड, राइम रॉयल होता है 7 लाइन स्टांजा जी. एलिजीज एंड सोनेट्स किस चीज की टाइप्स हैं? क्या ये एसेज होते हैं एलिजीज एंड सोनेट्स, बायोग्राफीज, फिक्शंस या ये पोइम्स होती हैं? क्या होता है एलिजीज एंड सोनेट्स? 91 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बताइए एलिजीज एंड सोनेट्स क्या होता है? वेरी गुड, क्या होता है ये?
पोइट्री की टाइप्स हैं ये. यस चलिए, द स्टोरी दैट एंड्स विद द हैप्पी रेजोल्यूशन, जो चीज हैप्पी नोट पे खत्म होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी, फार्स, सटायर या कॉमेडी. जो चीज एक हैप्पी नोट पे खत्म हो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी, फार्स, सटायर या कॉमेडी. वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं, कॉमेडी. क्या बोलते हैं, कॉमेडी. यस बिल्कुल ठीक है. चलिए, अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ फोर लाइंस, इसमें से चार लाइनों की बात कौन सी ऑप्शन में होती है, चार लाइनें हैं उसमें, कपलेट, क्वाट्रेन, हाइहू, लिरिक. चार लाइनों की पोइट्री कौन सी होती है. यस बिल्कुल ठीक जा रहे हो, क्वाट्रेन. क्वाट्रेन क्या होती है, फोर लाइंस होती हैं उसमें. चलिए, अ सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेड, किसी के मरे पे एक सोरो भरा सॉन्ग गाना उसको क्या बोलते हैं, सटायर, एलिजी, एपिक और ओड. क्या बोलते हैं, किसी की डेथ के ऊपर जब एक गाना गाया जाता है. वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, एलिजी. यस क्या बोलते हैं, एलिजी. चलिए, यूफोनी क्या होता है, यूफोनी क्या होता है, प्लेजेंट साउंड, सीरियस, मिक्स्ड या बिटर. क्या होती है यूफोनी, बताइए बताइए, यूफोनी क्या होती है, प्लेजेंट, सीरियस, मिक्स्ड या बिटर. वेरी गुड, प्लेजेंट साउंड होती है जो यूफोनी होती है, बिल्कुल ठीक है. चलिए, पोएटिक जस्टिस कौन लेके आया था, ध्यान दे लो, जस्टिस पूछा है, पोएटिक लाइसेंस नहीं पूछा गया, लाइसेंस नहीं पूछा, जस्टिस पूछा है. कौन लाया था, ड्राइडन, जॉनसन, राइमर, शेक्सपियर. कौन लेके आया था पोएटिक जस्टिस, बताइए बताइए जी, क्या कौन लेके आया था, राइमर. यस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. चलिए, व्हाट डू द नॉवेल्स पामेला, क्लारिसा, शामेला और लेडी सुजैन शेयर विद ईच अदर, इनमें से ये क्या चीज थी, ये चारों नॉवेल्स क्या चीज थे, क्या वो पिकारस्क थे, ट्रेवलॉग्स थे, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे या एपिस्टलरी नॉवेल्स थे. हाँ जी चलिए, वो एक मिनट कुछ काम था. हाँ जी, ये सारे क्या हैं, ये सारे ही एपिस्टलरी नॉवेल्स हैं. क्या हैं ये सारे, एपिस्टलरी नॉवेल्स, बिल्कुल ठीक है. चलिए, द वर्ड कैथारसिस इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में से था कैथारसिस वर्क, मेडिसिनल वर्क टर्म है ये, स्पोर्ट्स में से ली गई है, एस्थेटिक्स या मिलिट्री. कहाँ से ये टर्म लिया गया है कैथारसिस, यस कहां से लिया गया है ये टर्म. वेरी गुड, मेडिसिन में से. यस बिल्कुल ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग मींस टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना क्या होता है, स्पोक्समैन, सोलिलिकी, ग्रुअलिटी, गैरुलिटी और नन ऑफ द अबव. गैरुलिटी होता है ज्यादा बात करना, गैरुलस लोग होते हैं, ज्यादा बात करते हैं. सोलिलिकी, स्पोक्समैन. यस क्या आंसर आएगा, सोलिलिकी, टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक, इसमें से एपिक कौन सा है, डेफोडिल्स, पैराडाइज लॉस्ट, कुबला खान या हाइपेरियन. इसमें से एपिक कौन सा था बच्चे, बताइए. यस बिल्कुल ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट एक ब्लैंक वर्स एपिक है. यस माइथोस है जो ग्रीक वर्ड, वो इसमें से क्या चीज है, माइथोस जो मिथ से मिथ आया है, माइथोस से वो क्या चीज है, इमेजिनेशन, चिल्ड्रन स्टोरीज, स्टोरी और प्लॉट, कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट. यस हम 101 नंबर क्वेश्चन पर आ गए जी, बताइए मिथ है जो माइथोस है वो क्या था.
वेरी गुड जीनिया, यस ऋषभ बिल्कुल ठीक है। स्टोरी और प्लॉट को बोलते हैं माइथोस, यस जी बिल्कुल ठीक है। चलिए पिकारेस्क वर्ड कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन, इटालियन, ग्रीक और स्पेनिश, बताइए जो पिकारेस्क वर्क है वो कहाँ से लिया गया है। पिकारेस्क वर्क, पिकारेस्क जो वर्ड है जी वो किस भाषा से लिया गया है। जी बहुत उम्दा आंसर आ रहे हैं, बहुत ही उम्दा जी, यस स्पेनिश वर्ड है ये, स्पेनिश। स्पेनिश पिकारो था जिसका मतलब था रॉग यानी कि ठग, स्पेनिश वर्ड है ये जी। वेरी गुड स्तुति, चलते चलो बेटे चलते चलो। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। जो फ्रेंडशिप है वो एक पेड़ की छांव जैसा है, जो दोस्ती है पेड़ की छांव जैसी है। डायरेक्ट चीज बता दी है कि फ्रेंडशिप क्या है, तो क्या है चीज ये, सिमिली, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबली और मेटाफर, बताइए क्या चीज है। फ्रेंडशिप इज अब शेल्टरिंग ट्री, यस ये क्या है, मेटाफर, बिल्कुल ठीक है। चलिए डिनाउआ इज रिलेटेड टू व्हाट, ये किस योनर में आता है, एसे में, प्ले में, एलेजी में और लिरिक में। ये मैंने बताया था कि डिनोमा होता है वो क्लाइमेक्स के भी बाद आता है, जब सब कुछ रिवील हो जाए, है ना, एंडिंग पॉइंट आ जाए, उसको क्या बोलते हैं डिनोमा। तो ये किस में आता है, वेरी गुड, ये किस में आता है, एक प्ले में आता है, ये प्ले का पार्ट है, यस। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम टर्म किसने दी थी, जीएम हॉपकिंस, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, किसने दी थी टर्म स्प्रंग रिदम जी, किसने दी थी स्प्रंग रिदम टर्म। वेरी गुड, किसने दी थी, जीएम हॉपकिंस ने, यस बिल्कुल ठीक है। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज फर्स्ट यूज बाय, ये टर्म किसने दी थी, मेटाफिजिकल टर्म, मेटाफिजिकल पोएट्स, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडन, हेलन गार्डनर, ये टर्म किसने दी थी, मेटाफिजिकल पोएट्स। वेरी गुड ममता जी, बिल्कुल ठीक है, यस जीनिया, कमलेश, यस डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने टर्म दी थी, मेटाफिजिकल पोएट्स। हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, किसको मास्टर कहा जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, विलियम शेक्सपियर, वॉलेस स्टीवंस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ब्राउनिंग, किसको मास्टर कहा जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। वेरी गुड, रॉबर्ट ब्राउनिंग को, किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग को। अ वर्स ऑफ टू लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ, किसी पोएट्री में टू लाइंस होती हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वाट्रेन, कपलेट, टर्जा रीमा या ओटावा रीमा, बताइए बताइए जी जी, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, यस यस कमलेश, जीनिया, प्रिया, यस कपलेट्स मतलब कि टू लाइंस, यस टू लाइंस को क्या बोलते हैं, कपलेट। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या चीज होती है, टेक्निक बताइए, एक ऑप्शन करेक्ट है बाकी इनकरेक्ट है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, फटाफट से आंसर करिए जी, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, जल्दी जल्दी आंसर करिए, ए बी सी डी क्या चीज होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वेरी गुड कमलेश का आंसर सबसे पहले आया है, बिल्कुल ठीक है, इनर थॉट्स होते हैं, जो फीलिंग्स बयान होती है इनर थॉट्स में, यस। द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वाउल साउंड जब सिर्फ राइम करता है उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन, मेलेडी, रिदम या एजोनेंस, जब सिर्फ वाउल साउंड करते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स जी। वेरी गुड हरमन, यस हरमन का आंसर सबसे पहले था, ऋषभ, नवनीत, नितिका, जीनिया, कमलेश, हैप्पी, यस एजोनेंस बोलते हैं उनको, यस। चलिए हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में सोनेट्स कौन लेके आया था, उनको फादर ऑफ सोनेट्स भी कहा जाता है, ये बेटा नोट कर लेना, उनको फादर ऑफ सोनेट्स भी कहा जाता है, कौन लेके आया था इंग्लैंड में सोनेट्स को, यस सर थॉमस व्यार्थ, कौन लेके आया था, सर थॉमस व्यार्थ। चलिए अल्यूजन क्या होता है, अल्यूजन इज अनदर स्पेलिंग ऑफ इल्यूजन, या एक ग्रामेटिकल डिवाइस है, या एक इनडायरेक्ट पासिंग रेफरेंस है, या एक ड्रामेटिक डिवाइस है, बताइए इल्यूजन क्या चीज है, ए बी सी डी,
यस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. वेरी गुड नवनीत, कमलेश. यस ये एक इनडायरेक्ट पासिंग रेफरेंस है, किसी और वर्क को अपने वर्क में शो करना, ठीक है, किसी और वर्क का एग्जाम्पल देना अपने ही वर्क में. जैसे शेक्सपियर की कुछ लाइंस टीएस एलियट ने वेस्टलैंड में ली गई हैं, तो वो अल्यूजन होता है. द पोएट्स पोएट नाम से कौन जाना जाता है? द पोएट्स पोएट जॉन मिल्टन, ड्राइडन, स्पेंसर, टीएस एलियट. पोएट्स पोएट किसको कहा गया है जी, बताइए बताइए. यस ऋषभ, बिल्कुल ठीक है, एडमंड स्पेंसर को कहा गया है पोएट्स पोएट. यस चलिए, कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस क्या है? वो ट्रेजेडी से रिलेटेड है, कॉमेडी से, सोनेट से या फार्स से? किससे रिलेटेड होती है जो कैथारसिस है? वेरी गुड, ये ट्रेजेडी का पार्ट है. पिटी एंड फियर अराउज होता है जब हम एक ट्रेजेडी देखते हैं. कॉमिक रिलीफ क्या होता है? कॉमिक रिलीफ क्या ये इंटरवल होता है किसी मूवी का? क्या ये एक बड़ी हिलेरियस कॉमेडी होती है? क्या ये एक शॉर्ट एपिसोड होता है एक ट्रेजेडी के बीच में, या ये कैथारसिस का इफेक्ट है? यस वेरी गुड दीक्षा, सी ऑप्शन सही है. ट्रेजेडी के अंदर कुछ एक हास्य कुछ डाला जाता है, हसमुख सी चीज, जिसको कॉमिक रिलीफ बोलते हैं. हमार्शिया क्या चीज है? हमार्शिया रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, परगेशन, डिप्रेविटी और एरर ऑफ जजमेंट. हिमार्शिया क्या है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हो गया पेरिपीशिया, है ना, परगेशन हो गया कैथारसिस, और एरर ऑफ जजमेंट क्या हो गया? हिमार्शिया. ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. चलिए, हमार्शिया जो आया था एरिस्टोटल के किस वर्क में से आया है? पॉलिटिक्स, पोएटिक्स, प्रायर एनालिटिक्स या मेटाफिजिक्स? कहां से आया है एरिस्टोटल का हमार्शिया? 117 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बताइए बेटा. एरिस्टोटल ने हमार्शिया, वेरी गुड, पोएटिक्स में से. यस पोएटिक्स में से निकला है हमार्शिया. चलिए, एस्ट्रोफल नाम की पेस्टोरल एलिजी किसने लिखी थी? एस्ट्रोफल किसने लिखी थी? 1595 में आई थी ये, बताइए किसने लिखी थी? जॉन मिल्टन, जॉन कीट्स, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर. वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड हरमन, चलते चलो बेटा, चलते चलो, एडमंड स्पेंसर. चलिए, हु पायनियर्ड द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश? पहली बार इंग्लिश में हीरोइक कपलेट कौन लेके आया था? विलियम डनबर, किंग जेम्स, विलियम लैंगलैंड या जॉफरी चौसर? हीरोइक कपलेट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? वेरी गुड वेरी गुड, जॉफरी चौसर ने. जी एक मिनट, नवनीत ने क्या लिखा है? हां जी बेटा, तभी मैं थोड़ा तेज तेज करवा रही हूं. यस, व्हाट काइंड ऑफ पोएम पैराडाइज लॉस्ट इज नोन एज? पैराडाइज लॉस्ट क्या चीज है? पेस्टोरल पोइम है, पॉलिटिकल एलेगरी है, ब्लैंक वर्स एपिक पोइम है या लव पोइम है? बताइए पैराडाइज लॉस्ट क्या चीज है? यस वेरी गुड, ये एक ब्लैंक वर्स एपिक पोइम है. ठीक है, चलिए, हु यूज्ड राइम रॉयल फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार राइम रॉयल कौन लेके आया था? ड्राइडन, शेक्सपियर, स्पेंसर या चौसर? बताइए कौन लेके आया था पहली बार राइम रॉयल? बताइए बताइए, वेरी गुड, कौन लेके आया था? चौसर. यस बिल्कुल ठीक है, चौसर लेके आए थे राइम रॉयल. चलिए, व्हाट राइम रॉयल को हम चौसेरियन स्टैंजा भी बोलते हैं, चौसेरियन. ठीक है, चौसेरियन स्टैंजा भी बोलते हैं राइम रॉयल को. चलिए, हु व्हाट इज अ सोनेट? सोनेट क्या होता है? चारों ऑप्शंस को फटाफट देखो और आंसर करो. मैंने मार्क किया हुआ है येलो पर्पल पर्पल कलर का, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए. क्या होता है एक सोनेट? वेरी गुड, सी आंसर बिल्कुल ठीक है. ये 14 लाइंस की पोइम होती है जो आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है. हीरोइक कपलेट जब चौसर लेके आए थे तो किस बुक में लेके आए थे? कैंटरबरी टेल्स, डिवाइन कॉमेडी, पैराडाइज लॉस्ट, इन्फर्नो? किस में हीरोइक कपलेट यूज किया है चौसर ने? बताइए, बिल्कुल ठीक है. यस कैंटरबरी टेल्स, वेरी गुड जीनिया, कैंटरबरी टेल्स में हीरोइक कपलेट यूज किया था, स्पेशली जो वाइफ्स ऑफ बाथ्स टेल थी. फिरिक मीटर क्या होता है? फिरिक मीटर टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, वन स्ट्रेस, यानी कि टू अनस्ट्रेस हो गए, टू यू यू, है ना, यू और यू, वन स्ट्रेस्ड और वन अनस्ट्रेस्ड, ये तो ट्रॉकी किया है हमने अभी पीछे, है ना, टू स्ट्रेस्ड सिलेबल्स
फॉलोड बाय अनस्ट्रेस और वन स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड. बताइए पिरिक क्या होता है? तो पिरिक होता है बेटे ए. ए ऑप्शन सही है. यस, टू अनस्ट्रेस सिलेबल्स कौन से होते हैं पिरिक मीटर में. द लिटरेरी टर्म्स यूज्ड टू इंडिकेट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग. इसमें से पर्टिकुलर टाइप कौन सी होती है राइटिंग की? मेटाफर, सिंबोलिज्म, जॉनरा या क्लीशे. पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग किसमें बताया जाता है कि ये काइंड है राइटिंग की? यस, सी ऑप्शन, जॉनरा को बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ राइटिंग है. हीरोइक कपलेट में क्या चीज होती है? टेट्रामीटर, हेक्सा, पेंटा. क्या होता है हीरोइक कपलेट में? जी यस जीनिया, आयाम्बिक पेंटामीटर होता है हीरोइक कपलेट में. यस, चलिए गॉटिक नॉवेल्स किस चीज में काम आते हैं, किस चीज से डील करते हैं? एडवेंचर, कॉमेडी, ह्यूमर या हॉरर और सस्पेंस. यस, डी ऑप्शन, हॉरिबल नॉवेल्स होते हैं, हॉरर और सस्पेंस, मिस्ट्री, ये सब होता है गॉटिक नॉवेल्स में. अ सेंटेंस, कोटेशन और पोइम दैट इज पुट एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्क. किसी भी वर्क के बिगनिंग में क्या लिखा जाता है? कोई भी किसी की सेंटेंस, कोटेशन और किसी की पोइम जब यूज की जाती है. मान लो कोई वर्क है, जैसे फ्रैंकेनस्टीन था तो उसके जो स्टार्टिंग में किसी की पोइम दी गई है ना. जैसे टी एस एलियट के द होलो मैन के अंदर टू एपिग्राफ. यस बेटा, एपिग्राफ, एपिग्राफ आंसर आएगा. यस ऋषभ, बिल्कुल ठीक है. जब किसी का सेंटेंस किसी के रिटन वर्क के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, किसी की पोइम, किसी की कोटेशन, उसको क्या बोलते हैं? एपिग्राफ. होलो मैन में यूज किया था टी एस एलियट ने, मिस्तहा कर्ड्स ही इज डेड, और टू गाइस वो था गाइस फोक नाइट्स वाला कुछ था ना, गन पाउडर प्लॉट वाला था जो. यस, क्लासिक ओड के कौन सा पार्ट नहीं है? नॉट लिखा हुआ है. कौन सा एक पार्ट है जो नहीं आएगा बताइए? स्ट्रोफी, इकोलॉग्स, एंटी स्ट्रोफी, इपोड. कौन सा पार्ट एक ओड का नहीं है? 130 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करिए, 2 घंटे हो गए हैं क्लास को. जी बताइए, स्ट्रोफी, इकोलॉग्स, एंटी स्ट्रोफी, इपोड. यस, जो इकोलॉग है वो पार्ट नहीं है. स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड, ये तीनों ही ओड की काइंड्स होती हैं, है ना. चलिए, बिल्डिंग्स रोमान इसमें से क्या चीज होती है? बिल्डिंग्स रोमान क्या चीज होती है? कमिंग ऑफ एज, मेलोड्रामा है ये, मिथ है या लेजेंड्स है? बताइए बिल्डिंग्स रोमान क्या चीज है? जी वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड दीक्षा, कमलेश. यस, ए, कमिंग ऑफ एज नॉवल है, जैसे कि वो जेन आयर था शार्लेट ब्रॉन्टे का. हाउ मेनी लाइंस डज अ बैलेड मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट. बैलेड में कितनी लाइंस होती हैं? 3, 4, 8, 6. कितनी लाइंस की बैलेड होती है? बैलेड लंबी बहुत हो सकती है, बट कितनी लाइंस का सेट होता है वो? कितनी लाइंस का, मान लो बहुत सारी लंबी बैलेड है, कितनी लाइंस का सेट होता है? वेरी गुड नितिका, 4 लाइंस का सेट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर बैलेड का. बेटा 4 लाइंस होता है, 4. 8 लाइंस आप लोग क्यों लिख रहे हो? चलो हम फिर भी चेक कर लेंगे अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली लिख रहे हैं आंसर, बट फिर भी मैं कहूंगी कि 4 लाइंस का होता है. ठीक है, चलिए, 14 लाइन पोइम है, आयम्बिक पेंटामीटर में है, 3 क्वाट्रेन है और कंक्लूडिंग कपलेट है. यानी कि 3 क्वाट्रेन है और 1 कंक्लूडिंग कपलेट है, तो उसको क्या बोलेंगे? 3 क्वाट्रेन और 1 कंक्लूडिंग कपलेट है, उसको क्या बोलेंगे? बैलेड, शेक्सपियरियन एलिजी, लिरिक. यस, उसको क्या बोलेंगे? शेक्सपियरियन सोनेट. यस, चलिए, टॉमस व्यात और हेनरी हार्वर्ड क्या लेके आए थे इंग्लैंड में? क्या लेके आए थे? एलिजी, सोनेट्स, एपिक्स, बैलेड्स. क्या लेके आए थे? वेरी गुड, क्या लेके आए थे? सोनेट्स लेके आए थे. यस, चलिए, अलेक्जेंड्राइन, अ लाइन ऑफ 6 iambic feet इज फाउंड इन स्टांजा ऑफ. कहां पर? आयाम्बिक हेक्सामीटर बोलते थे उसको. किस में होता है अलेक्जेंड्राइन नाम की लाइन? बताई हुई है आपको अलेक्जेंड्राइन लाइन किस में होती है? वेरी गुड, स्पेंसेरियन स्टांजा में होती है. किसमें होती है? स्पेंसेरियन स्टांजा में. ग्रीक वाले कौन सी 3 यूनिटीज की बात करते हैं? जो टाइम, प्लेस और तीसरी यूनिटी कौन सी है? टाइम, प्लेस एंड व्हाट,
एक्शन, मोरालिटी, स्क्रिप्ट और कैरेक्टर, किन तीन चीजों पे फोकस करते हैं ग्रीक प्लेयर्स, ग्रीक प्ले राइट्स? यस, एक्शन के ऊपर, टाइम, प्लेस और एक्शन। चलिए आगे है, सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल पे जब कोई सेंटेंस खत्म होता है, सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल, उस लाइन को क्या बोलते हैं? फेमिनाइन राइम, ट्रिपल राइम, मस्कुलाइन या डबल राइम, क्या बोलते हैं उसको जब सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल रहता है एंड में? यस, क्या रहता है? मस्कुलाइन राइम। और अनस्ट्रेस रहता तो क्या रहता? फेमिनिन राइम। ओके, चलिए, रोमांटिक आयरनी कौन लेके आया था? मोलेयर, फ्रेडरिक शेलेगल, फ्रेडरिक नीशे, जॉन रोन रेसिन, कौन लेके आया था रोमांटिक आयरनी? बिल्कुल ठीक है, बताते चलो। यस, इसका आंसर बताइए। यस, रोमांटिक आयरनी वाला। यस, फ्रेडरिक शेलेगल, कौन लेके आया था? फ्रेडरिक शेलेगल। चलिए, द प्लोमैन होमवार्ड प्लोट्स हिज वेरी वे, इसका फिगर ऑफ स्पीच कौन है? ये टॉमस ग्रे की एलिजी में से लाइन दी गई है, एलिजी रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड में से लाइन है ये, कि जो प्लोमैन है, जो फसल काटने वाला है, वो घर को जा रहा है और जो उसका रास्ता है वो थका हुआ है, रास्ता थक गया है, तो ये क्या चीज है? मेटोनिमी, मेटाफर, सिमिली, ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्या चीज थी ये? 139 नंबर लिख के आंसर करना, 139 नंबर लिख के आंसर करना बेटा जी। यस, ये एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है। चलिए आगे क्वेश्चन है, अ मीटर इन विच अनएक्सेंटेड सिलेबल प्रिसीडेड द एक्सेंटेड सिलेबल, एक मिनट, अ मीटर इन विच अनएक्सेंटेड सिलेबल प्रिसीड्स, यस, अनएक्सेंटेड पहले है, एक्सेंटेड बाद में है, तो ये वाला यू के बाद स्लैश वाला कौन सा है? एनापेस्टिक, डिक्टाइलिक, कैटालेक्टिक या एयम्बिक? वेरी गुड, ये कौन सा है? एयम्बिक। यस, बिल्कुल ठीक है बच्चा। लास्ट के 10 क्वेश्चन है, फटाफट आ जाओ। 8 लाइनें किसमें होती हैं? 8 लाइनें इनमें से किसमें होती हैं? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के आगे दिखे हैं, बताइए 8 लाइनों वाला क्या है? ओटावा, राइम रॉयल, टेनिसोनियन, स्पेंसेरियन। वेरी गुड, क्या है वो? ओटावा रीमा। यस, बिल्कुल ठीक है। हेप्टामीटर में कितनी लाइंस होती हैं? 5, 6, 7, 8। ओटावा हेप्टा में कितनी होती हैं? चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए बच्चे, लास्ट 8 क्वेश्चंस रह गए हैं। यस, कितनी लाइंस होती हैं? 7। कितनी होती हैं? 7 लाइंस हेप्टामीटर में। आयाम्बस में कितने मेट्रिकल फुट होते हैं? कितने? ओनली आयाम्बस में, आयाम्बस में कितने मेट्रिकल फुट होते हैं? 2, 3, 4, 1, कितने होते हैं आयाम्बस में जी? फटाफट आंसर करिए, 143 का। वेरी गुड ऋषभ, 2 सिलेबल्स होते हैं आयाम्बस में, यानी कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। चलिए, द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ टर्म किसने में किसमें बुक में आई है? किस बुक में आई थी द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जी? 144। वेरी गुड दीक्षा, 144 का आएगा ए, बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसी में ही फैंसी इमेजिनेशन आया था और इसी में ही विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आया था। कर्टल सोनेट कौन लेके आए थे? कर्टल सोनेट जी, जॉन मिल्टन, ब्लेक, जीएम हॉपकिंस, मैथ्यू आर्नल्ड। 145 नंबर आंसर बताइए बेटा जी, 145, कर्टेल सोनेट। वेरी गुड, जीएम हॉपकिंस इज द राइट आंसर। चलिए 146, अ लाइन में इधर भी एंड एंड स्टॉप्ड और, या तो वो लाइन लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा या फिर क्या होगा? राइम एक्सेंटेड ब्रोकन या फिर होगा रन ऑन, बताइए। या तो वो लाइन रुक जाएगी या फिर राइम्ड एक्सेंटेड ब्रोकन और रन ऑन जी। वेरी गुड दीक्षा, रन ऑन, या तो कोई लाइन है वो रुक जाती है या फिर अगली लाइन तक चली जाती है या फिर रन ऑन करती है। यस, बिल्कुल ठीक है। इगोटिस्टिकल सबलाइन किसने दिया था? इगोटिस्टिकल सबलाइन किसने दिया था? एसटी कॉलरी, जॉन केट्स, वर्ड्सवर्थ, हेजलेट? यस, बताइए बताइए, बिल्कुल ठीक है बच्चा, बताते चलो। जॉन कीट्स, वेरी गुड, जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के लिए दिया था इगोटिस्टिकल सबलाइन। एपिलॉग क्या है? एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग
148 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एपिलॉग क्या चीज है? बेटा जी 148 लिख के आंसर करिएगा। यस, एपिलोग क्या है? जब एक काम को हम समाप्त करते हैं तो लास्ट की जो स्पीच होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिलोग। वेरी गुड। स्पेंसेरियन स्टांजा में कितनी लाइंस होती हैं? 4, 6, 8 या 10? कितनी लाइंस आयाम्बिक स्टांजा की होती है, आयाम्बिक पेंटामीटर की? आयाम्बिक पेंटामीटर की कितनी लाइंस होती हैं? 4, 6, 8, 10? करते चलो आंसर। स्पेंसेरियन स्टांजा की सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, कितनी लाइंस का होता है स्पेंसेरियन स्टांजा? बेटा 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 4, 6, 8, 10। दीक्षा जी 9 तो ऑप्शन में ही नहीं लिखा हुआ बेटा। बेटा 8 लाइनों का आयाम्बिक पेंटामीटर होता है और एक होती है आयाम्बिक हेक्सामीटर। तो कितनी हो गई टोटल? टोटल हो गई 9, बट हमने सिर्फ आयाम्बिक पेंटामीटर पूछी है तो 8 आएंगी। द सी दैट बियर्स हर बोजम टू द मून, ये इसमें क्या चीज है? ये फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और ऑक्सीमोरॉन? बताइए जी क्या चीज है जो ये सी है वो अपनी बोजम को मून की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है? अच्छा बच्चे आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि जो सी है उसको हमने हर बोल दिया है और हर बोजम बोल दिया है, ठीक है। चलिए बेटा जी आज के 150 क्वेश्चंस थे। ऑनेस्टली अपने आंसर्स मार्क करके मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्लास कैसी थी जरूर बताना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। प्लस अपने साथियों को भी हमारा चैनल रिकमेंड करो कि क्लासेस कैसी चल रही हैं, किस तरीके के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो जरूर क्लास में आओ। बेटा जी बैच में हम जो हमारा बैच चल रहा है उसमें हम एलिजाबेथन एज कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ हमने लिंग्विस्टिक्स शुरू कर देना है उसमें, और फिर ऐसे ही आप लोगों के लिए लिंग्विस्टिक्स के ऊपर भी मॉक टेस्ट आएगा बहुत ही जल्दी। जैसे ही लिंग्विस्टिक्स खत्म होगा मॉक टेस्ट भी आएगा वैसा ही, ठीक है। तो क्लासेस कैसी थी बेटा जी? अभी यहाँ तारीफ करने का कोई फायदा नहीं, लाइव क्लास कोई नहीं देखता दोबारा से। नॉर्मल कमेंट्स में जाके बताइएगा कि कितने मार्क्स आए हैं और कैसी क्लासेस थी ये, ठीक है। चलिए मैं आज की ये लाइव स्ट्रीम यहीं खत्म कर रही हूँ, और रेगुलर क्लासेस में आओगे तभी आप लोगों को बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास, थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस फॉर 2.5 आवर्स। जी हाँ जी, मॉक टेस्ट हमेशा संडे को ही रहेंगे, ओके। चलिए ओके राजे, गुड नाइट, बाय बाय। आज बैच की क्लास की छुट्टी रहेगी और बस यहीं तक थी ये वाली क्लास, ठीक है।